इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स बनने से, यानी सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बढ़ेगा। अगर हाँ मैंने लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा दे दी तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, शर्त क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रखी तो चाहे मैं कितनी भी इंटेंसिटी रख दूं मेरा करंट, समझ निकले में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। हाँ, तो यहां पर समझ में आ रहा है। ये देखो, ये इंटेंसिटी है और ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे मेरा इंटेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ रहा बढ़ रहा है, है, लेकिन ग्रेटर ये तभी होगा जब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा। ग्रेटर है। अगर नहीं होगा तो ये ग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगी। समझ में आ रहा है? यस अब सर, समझो, तो मैं दो ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, ध्यान से सुनना उस बात को। लाइट की फ्रीक्वेंट मतलब जो दो चीजें बता रहा हूं मैं, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? यस यानी सर, करंट बढ़ेगा, और जहां पर भी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एनर्जी एनर्जी के दो एनर्जी दो चीज याद रखना। किस चीज की एनर्जी अभी हम बताएं, जहां भी इंटेंसिटी आ जाए तो वहां पर क्या बढ़ेगा, नंबर। क्या नंबर बढ़ेगा? नंबर। और जहां फ्रीक्वेंसी आ जाए वहां क्या बढ़ेगा, हमेशा। एनर्जी। एनर्जी समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है सर, अभी देखते हैं। तो सर, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना? यस फोटो बढ़ सर, रहे हैं मेरे, तो यस करंट भी बढ़ सर, रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों। जब अब यह नेगेटिव था, ये कैथोड था, ये मेरा क्या था, एनोड। ये एनोड। नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जा रहे थे, पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने से रोकना है, क्या करना है, रोकने तो मैं क्या करूंगा, कोई बता पाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो है, लेकिन करना क्या पड़ेगा मेरे को, बताओ भाई। यहां पर तो नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा वो तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा ही होएगा। यस सर, ऐसा फिर क्या चार्ज को ये कर देंगे, कर दूं, फिर चार्ज नेगेटिव कर देंगे, चार्ज नेगेटिव कर देंगे, यानी यहां पर जो पॉजिटिव है उसको क्या कर दूं, नेगेटिव। नेगेटिव कर दूं, या है ना, या इसका जो पोटेंशियल है वो क्या करता रहूं, ऐसे बोल सकता हूँ, कम कर देंगे। कम करता रहूं। तो इस ये कौन कर सकता है, ये जो मैं बैटरी लगा रहा हूँ राइट यस सर, बाहर से, तो जी यानी अगर मैं इसके पोटेंशियल को क्या कर दूं, कम कर दूं, कम तो कर यहां पर भी देंगे। इसको नेगेटिव दिखेगा, कम पोटेंशियल दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आने से क्या हो जाएगा, दूर भागेगा यहां से। जो इलेक्ट्रॉन यस पहले यहाँ सर, अट्रैक्ट होना चाहता था वो अब क्या होने जाएगा, रिपेल होना चाहेगा, रिपेल। या ऐसा यस समझ लो सर, अब उसके पास नहीं आना चाहिए, है ना, अगर मैं कम कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ये बात यस सर, सबको? सबको। तो वो पोटेंशियल ध्यान से सुनना, तो पहले मैंने पोटेंशियल कम किया है ना, ऐसा भी समझ लो, पोटेंशियल क्या किया, कम कम किया, या ऐसे बोल दो कि यहाँ पर पोटेंशियल मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना रिवर्स पड़ेगा। रिवर्स और मैंने पॉजिटिव का नेगेटिव किया तो मैं ऐसे कर दूं, मेरे को पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो समझो ध्यान से सुनना, अगर मैंने पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे अच्छे खासे, कितने सारे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे पहले, मान लो यहाँ पर चार पांच इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। इसकी एनर्जी थी 2 यूनिट्स, इसकी 3 यूनिट्स, इसकी 4 यूनिट्स, इसकी 5 6 7 8, दिख रहा है सबको, यस सर, है ना? यस सर, तो भाई आ रहे थे यहां से, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था पॉजिटिव वाला। अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा दे रहा हूँ, नेगेटिव, क्योंकि मैं यहाँ से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ, दूर भगा रोक, रहे हैं। है ना, रोक रहा हूँ या दूर भगा रहा हूँ। तो मैंने पहले जितना था ना, सपोज करो मैंने पोटेंशियल बढ़ा कि नेगेटिव वैल्यू कर दी 2, क्या कर दी 2, टू तो क्या किया मैंने, कहा ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन तो अब यहां से आने से रुक जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी तो वैसे भी क्या थी, कम दो थी। थी, तो ये वाला तो रुक गया। अब 2 इसकी पोटेंशियल है, तो क्या 3 वाला रुक पाएगा, नहीं, वाला की तो एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो वो चला जाएगा राइट। यस सर, 4 वाला यस भी जा रहा है, 5 वाला भी जा रहा है, 6 वाला भी जा रहा है, 7 वाला भी जा रहा है। अब मैंने इसका और नेगेटिव कर दिया, 2 की जगह क्या कर दिया, 3। समझ तीन में आ रहा है?
तो अब दो वाला तो रुकेगा या रुकेगा? नहीं रुकेगा, रुकेगा सर, रुकेगा, क्योंकि तीन दो से कम है ना, उस दो तीन से कम है ना, दो तीन, तीन वाला भी रुक जाएगा राइट? यस सर। चार वाला रुकेगा? नो सर, नो सर। दो वाला गया, तीन वाला गया, अब मैं चार का कर देता हूँ, तो अब दो वाला रुकेगा क्या? नो सर, यस सर। इसका पोटेंशियल कितना है? चार। तो यानी ऐसा ऐसा समझो, ये चार तक की एनर्जी को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर इसका दो है तो इसका भी दो होगा, इसका तीन होगा, इसका भी तीन होगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ इसका ज्यादा है तो इसका भी ज्यादा है। तो ये तो एग्जांपल दे रहे हैं, अब ये चार तक की एनर्जी को रोक सकता है, तो दो वाला रुक जाएगा क्या इससे? यस सर। रुक जाएगा। तीन वाला रुक जाएगा। चार वाला रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, नहीं रुक पाएगा। तो अगर मेरे को इन सबको रोकना है तो मेरे को कम से कम कितना डालना होगा? छह, क्योंकि मैक्सिमम कितना है यहाँ पर? सिक्स, फाइव, एट है ना, देखो फाइव सिक्स एट है सर, सिक्स है, ये सेवन है, ये क्या है? एट। तो मैक्सिमम कितना डालना पड़ेगा? नाइन, एट या नाइन। नाइन डाल दो, नाइन डाल दो तो भी ठीक है, टेन डाल दो तो भी ठीक है। तो मिनिमम कितना है? नाइन डालना पड़ेगा ना, कम से कम कितना डालना पड़ेगा? एट डालना पड़ेगा कि ये सारे के सारे क्या हो जाए, रुक जाए, रुक जाए। ये मेरे को कैसे पता लगेगा कितना पोटेंशियल डालू? जितनी इलेक्ट्रॉन की क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? एट वोल्ट। मैंने इसलिए कितना डाला? एट, एट, है ना। ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर ये ज्यादा होगा तो इसकी भी वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ेगी राइट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना? यस सर। अगर कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो कम पोटेंशियल वाला रोक देगा, लेकिन ज्यादा एनर्जी को रोकना है तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पोटेंशियल नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को पोटेंशियल कुछ ऐसा, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, तो मैं पोटेंशियल कौन सा वाला चूज करूंगा? ऐसा पोटेंशियल चूज करूंगा जो किसको रोक दे, किसको रोके, कौन से इलेक्ट्रॉन को रोके, जो जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आठ वाला रुक गया तो क्या दो वाला नहीं रुकेगा क्या? रुकेगा। तीन वाला नहीं रुकेगा क्या? रुकेगा। अगर यहाँ पर मान लो एक दो चार पांच छह दस पच्चीस तीस, तो मैं कितना पोटेंशियल रखू कि सारे रुक जाए? थर्टी। तो ऐसा पोटेंशियल डालना है जिससे क्या रुक जाए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रुक जाए, रुक जाए, या उस प्लेट पर, एनोड पर ना पहुंच पाए। ऐसे पोटेंशियल को ही बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब डेफिनेशन पे आ जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल, ऐसा मिनिमम पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है सर सबसे एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, तो बाकी तो अपने आप रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है? करेक्ट, ठीक है। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन किससे है, एनर्जी से है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है? एनर्जी, सोचो तुम, एनर्जी से है ना। देखो चार पांच छह आठ दस, यहाँ पे मान लो चार चार के और हो, दो दो के और हो, तीन तीन के और हो, छह छह के भी हो, सात सात के हो, क्या ये सारे भी रुक जाएंगे अगर मैं थर्टी डाल रहा हूँ? रुकेंगे। क्या पंद्रह बीस और कर दो जिनकी एनर्जी तीस से क्या है कम, तो वो सारे रुकेंगे। तो नंबर से कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। किससे फर्क पड़ रहा है? मैक्सिमम एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन किससे होना चाहिए? एनर्जी से। एनर्जी से। और मैंने एक ब्रह्मास्त्र में जो बात बोली थी वो क्या बोली थी? फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में से किसका रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का या इंटेंसिटी का? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे या एनर्जी पे? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी दोनों पे। सोचो सोचो सोचो। हाँ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे ना। तो मैंने बोला, ध्यान से सुनना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है सर? एनर्जी पर, राइट? और फ्रीक्वेंसी भी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी पे। तो अब मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ, लाइट की फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करेगी या लाइट की इंटेंसिटी? फ्रीक्वेंसी।
एनर्जी तो है, तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी में चूज करना हो तो क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है सर उतनी ज्यादा क्या होती है? एनर्जी होती है। ये कैसे पता सर? E is equal to h nu होता है ना? यस सर। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। समझ में आ रही है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा होगा? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। आप ध्यान से देखो, इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ही क्या बोला मैंने? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमको ये पता लगा कि नंबर से उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई है ना ये बात सबको? आ गई। भाई चार पांच पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले 25 ले लो तुमसे, सारे स्टॉप हो जाएंगे ना? हाँ जी सर। मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी मैक्सिमम, चलो देख, तो यानी इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना है। अब ये देखो, ये ग्राफ किस किस के बीच में? पहली बात, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी क्या करी है? डिफरेंट की है। फ्रीक्वेंसी क्या किया है? डिफरेंट। बताओ, और यहाँ पर हमने देखा था दो बातें यहाँ से पता लगी हमें। पहली बात तो सर ये पता लगी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। और हमने जो पहला ग्राफ किया था ये करंट का और इंटेंसिटी का देखा था ना, तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी। नो सर, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, तो ज्यादा करंट बन रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो करंट है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेरी तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा। अगर मेरी इंटेंसिटी ज्यादा है तो कौन ज्यादा होगा? करंट। समझ में आ रहा है? यस सर। पूछो सर मेरे को किसी उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो अगर करंट ज्यादा चाहिए तो मैं क्या बढ़ाऊं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो वो कैसे बढ़ेंगे? फोटोन डालेंगे। यानी क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है मतलब इंटेंसिटी। यस सर, है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। ये कब होगा? जब मेरी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होगी? ज्यादा। और मैं तुमसे पूछूं, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने से यहाँ पे रोकना है तो मैं लाइट की क्या चीज चेंज करूँ या मेरे क्या चेंज करनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी की बात हो तो कौन होगा? फ्रीक्वेंसी। अभी अभी इसको और ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट है। देखो तो अभी हमने देखा कि करंट का तो किस पे डिपेंड करता है सर? इंटेंसिटी से। तो करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इंटेंसिटी किसी लाइट रेडिएशन की क्या है? कॉन्स्टेंट है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से बड़ी है, लेकिन कुछ भी हो, थ्रेशोल्ड से बड़ी हो बस कुछ भी हो, तो करंट क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछे फटाफट। सर अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है करंट, तो इंटेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो करंट भी क्या है? कॉन्स्टेंट। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना लाइट की वजह से। यस सर। तो मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के ज्यादा करंट बना, और इंटेंसिटी बढ़ाई और इलेक्ट्रॉन निकले, और इंटेंसिटी बढ़ाई और इलेक्ट्रॉन निकले और करंट बना। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी को बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। क्या बढ़ेगा वो? नहीं सर। स्टेज को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। अब इंटेंस, वेरी गुड। तो अब इंटेंसिटी मैंने कॉन्स्टेंट रख दी तो मेरा जो करंट है वो भी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। और जो सैचुरेशन वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट पे टिकी रहेगी। ध्यान से देखना,
अब यहाँ पर मैंने तीन रेडिएशन फेंकी, तीनों की इंटेंसिटी क्या थी? सेम इंटेंसिटी क्या थी? सेम सेम, तो उनका करंट क्या होना चाहिए? सेम। तो देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पर है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो सबका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है, राइट? यस सर। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? सेम है सभी की। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लेकिन इनकी इनकी जो इंटेंसिटी तो सेम थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या थी सर सबकी? डिफरेंट। डिफरेंट है, दिख रहा है सबको? यस सर। फ्रीक्वेंसी तो इन सबकी डिफरेंट है सर, फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट है। तो फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट होगा सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिख रहा है सबको? यस सर। तो देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी कम। देखो एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या है? कम है। हाँ जी। दूसरे का उससे ज्यादा है, तीसरे का ज्यादा है और नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वैसे वैसे मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी सेम है इसलिए उसका करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। समझ में आ रहा है? देख लो भाई सारे, देख दिख रहा है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ लो फटाफट। नो सर। इंटेंसिटी सेम थी, सैचुरेशन करंट सबका सेम था, लेकिन अगर मैंने, अब देखो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल को, समझो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, नोड पहुंच गए हैं ना, और अब ध्यान से करंट बन गया मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ उन इलेक्ट्रॉन को वहां तक आने पर क्या कर रहा हूँ? रोक रहा हूँ। रोकने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल को नेगेटिव करना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे नेगेटिव कर रहा हूँ, तो पहले नेगेटिव किया तो कम एनर्जी वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम कम। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। करंट सबका सेम है इनिशियली, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? सेम। कोई दिक्कत? ये ग्राफ समझ में आया? यस सर आ गया। इसको नहीं आया हैंड रेस कर ले बच्चे, पूछ ले, अगर अब इसका अगला करूंगा तो वो और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये ग्राफ देखो, अभी तो हम क्या कर रहे थे, इंटेंसिटी सेम थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी? डिफरेंट। अब उल्टा करेंगे इसका, अब इंटेंसिटी क्या करेंगे? डिफरेंट और फ्रीक्वेंसी सेम। फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे? सेम। अब देखो इंटेंसिटी डिफरेंट का मतलब करंट डिफरेंट होगा, करंट। सबको समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी डिफरेंट मतलब क्या डिफरेंट है? करंट। करंट डिफरेंट है, तो देख लो यहाँ पर आई वन की इंटेंसिटी कम है तो करंट की वैल्यू भी कम, कम। आई टू की इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा, आई थ्री की तो करंट उससे ज्यादा, तो क्योंकि करंट डिफरेंट है, सॉरी इंटेंसिटी डिफरेंट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट है। लेकिन अगर इंटेंसिटी का कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिफरेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी तो हमने इनकी क्या रखी है? कांस्टेंट। सेम रखी है ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंटेंसिटी थर्ड वाले का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, इंटेंसिटी सेकंड वाले का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वी नॉट है, और इंटेंसिटी वन वाले का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वी नॉट। वी नॉट, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है सर? सेम। सेम। समझ में आ रहा है? आप दोनों ग्राफ को रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं? पहले ग्राफ में क्या है सर? करंट इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? डिफरेंट। लेकिन दूसरे ग्राफ में करंट सॉरी इंटेंसिटी चेंज हो रही है सबकी, तीनों की इंटेंसिटी डिफरेंट तो करंट भी तीनों का डिफरेंट, और लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। कोई दिक्कत? ये डाइवर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। जिसको दिक्कत है, डाउट है, अभी पूछ लो, 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट। सर एक बार सैचुरेशन करंट बता दो वापस। सैचुरेशन, ओह शिट, ठीक है बताता हूँ। सैचुरेशन का मतलब वो करंट होता है बच्चे
जब मतलब पहले जब मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कर फोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी डाल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाल रहा हूँ, तो पहले थोड़े इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर थोड़े से और निकलेंगे, थोड़ी देर बाद और इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे ना, निकल रहे निकल रहे निकल रहे, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके होंगे, उसके बाद तो क्या हो जाएगा करंट, बोलो साथ, जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंच कांस्टेंट हो जाएगा, एक एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की मैं क्या डाल रहा हूँ, लाइट डाल, तो एक टाइम तो नहीं आएगा ना, जितनी वो लाइट की इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती थी उतना उसने निकाल दिया, उसके बाद तो कुछ, जब इंटेंसिटी सेम है तो क्या उसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी वैल्यू इतनी थी कि ये मान लो कितना निकाल सकती थी, सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी, पहले ये बताओ, नो सर, नो सर, अब हो जाएगी, अब हो रही है, अब यस सर, हाँ, तो देखो मान लो मैंने जो इंटेंसिटी डाली थी उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो 10 यूनिट्स तक के इलेक्ट्रॉन को, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाती सिर्फ, तो एक टाइम ऐसा आया, एक निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गया, चार निकल गया, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, अब 10 इलेक्ट्रॉन के निकल गए, ठीक है, इनकी वजह से करंट बन गया, तो क्या अब और इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, नहीं, वो जो इंटेंसिटी डाली थी वो मैक्सिमम कितने को निकाल पाती, 10 को, और वो 10 के 10 निकल गए, तो 10 की वजह से जो करंट बना वो तो बन ही रहा है, अब उसके बाद कोई करंट नहीं बढ़ेगा, जो करंट पहले था वही चलता रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, एक टाइम पर आगे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसी करंट को क्या बोलते हो, सैचुरेशन, समझ में आ रहा है, यस सर, नहीं ऐसा था, सपोज करो ये जो इंटेंसिटी ये 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकती थी उसकी वजह से जो करंट बना ये ज्यादा यानी 20 के ये 30 के, तो इसका करंट यहाँ पर लाया कर रहा है, इसका करंट यहाँ पर लाया कर रहा है, इसका करंट यहाँ पर लाया कर रहा है, डन, लेकिन अब ये 10 से ज्यादा नहीं निकाल पाई, तो एक टाइम के बाद ये 10 के 10 निकल गए तो करंट सैचुरेट हो गया, ये 20 से ज्यादा नहीं निकाल पाई लेकिन निकाले 10 से तो ज्यादा निकाले, तो इसका ग्राफ इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, लेकिन 20 से ज्यादा भी नहीं निकाल पाई तो सैचुरेशन आ गया, अब यहाँ पर 30 है, इन दोनों से तो ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 30 से ज्यादा यह निकाल पाई, नो सर, उस करंट क्या होगा, सैचुरेट कांस्टेंट होगा, यस सर, यस सर, अच्छा ये देखो यहाँ पर, अब ये फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी की स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसमें है, जो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, फ्रीक्वेंसी और कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कम, ध्यान से देखना, तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, 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 स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा क्यों दिखाया सर, क्योंकि यहां से यहां तक जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम थी, हाँ थ्रेशोल्ड से कम थी, यहां तक जो फ्रीक्वेंसी ली वो थ्रेशोल्ड से कम आई, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंची उसको क्या बोल दिया, वी नोट, क्या बोल दिया, म्यू नोट या म्यू नोट बोलो, ठीक है, म्यू नोट से अगर कम थी फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड से कम थी, तो मैंने तुम्हें बताया अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नो सर, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको दूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ही तो वही होता है जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या रोक सके, राइट, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा उसका, बताओ, जीरो होगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा तो रोकूंगा किसको, राइट, तो यहां तक स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है मेरा, जीरो, तो क्यों है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, लेकिन एक बार फ्रीक्वेंसी वैसी पहुंच गई थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड से ज्यादा जरूर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता रहेगा, डन, तीनों ग्राफ समझ में आए, चारों, यस सर, यस सर, तो पहला ग्राफ बता रहा था मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का रिलेशन, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ रहा है। दूसरा क्या बता रहा है सर, अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी सेम है, लेकिन
इंटेंसिटी सेम है, करंट सेम है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो, राइट? यस सर। तीसरा क्या बता रहा है, कौन बताएगा मुझे तीसरा? तीसरा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और जब इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज हो रहा है। इंटेंसिटी चेंज हो रहा है तो करंट चेंज हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। बस बढ़िया, सबको समझ में आया ये बात? यस सर। और लास्ट ग्राफ क्या बता रहा है? स्टार्टिंग में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। समझ में आ जाएगा? यस सर। यस सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ थे इस पूरे चैप्टर में। एनसीईआरटी में भी देखोगे ना तो ये मिलेंगे। यस सर। चल तो अब ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ ये चीज क्या बता पा रहा है मेरे को, ग्राफ पढ़ के बताओ ये किस किस के बीच में होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में है और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो समझ में आ रहा है ग्राफ सीधा जा रहा है? यस सर। है ना, कोई बात नहीं, ये नेगेटिव हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल बस, और कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर म्यू नॉट क्या होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड। तो ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है, अभी इसको बात करेंगे कैसे। ये क्या बता रहा है, ये पूछ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन आई है, तुम्हें पता ही है स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, लेकिन बताओ कि इसका जो स्लोप है वो तुम्हें क्या बता? इसका स्लोप स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है। स्लोप का मतलब क्या होता है सर? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है सर? वी नॉट। और एक्स एक्सिस पे क्या है सर? दिख रहा है ना सर, ये वाला रिपीट करना। वाई एक्सिस पे क्या है? स्लोप होता है वाई बाय चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, लेकिन वाई पर है क्या? वी नॉट, यानी स्लोपिंग पोटेंशियल। क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही है ना वाई एक्सिस पर? तो यस सर। और एक्स एक्सिस पर क्या है? फ्रीक्वेंसी। म्यू बोल दिया इसको, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बोल, याद रखना वी नॉट बाय वी है। अब इसको इन तीनों में से क्या रखेंगे ये तभी पता चलेगा जब हम आगे पढ़े, ठीक है? अभी पढ़ते हैं इसको, कोई दिक्कत? नो सर। तो समझ में आया ना वी नॉट बाय वी है? यस सर। हां जी। तो अब ना कुछ इक्वेशन होती है, अब जो मैंने सरफेस पे डाला, जिस मैंने इलेक्ट्रॉन फोटोन को सरफेस पे डाला तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, राइट? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो कितनी होती है सर? एच इंटू म्यू। तो समझना, जो मैंने एनर्जी डाली फोटोन की उसको मैंने लिख दिया ई से, जो एनर्जी से लाइट टकराई है, जिस एनर्जी से फोटोन उस सरफेस पे क्या हुआ है, टकराया है, वो किस किस काम में यूज होगी? पहले तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को वहां से इमिट कराएगी, मतलब निकालेगी, राइट? हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा ना उस एटम से अपने। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन सपोज करो बाउंड है 10 यूनिट्स की एनर्जी से, कितनी एनर्जी से? 10 यूनिट्स। तो मेरे को कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को? 11 देनी पड़ेगी कम से कम को। अच्छा, मतलब 10 से वो अट्रैक्टेड है तो तोड़ने के लिए भी तो 10 ही चाहिए। यस सर। मिनिमम एनर्जी जो मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसको बोलता हूँ वर्क फंक्शन। क्या बोलता हूँ? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को मैं लिखता हूँ ऐसे, फाइव नोट्स लिख रहा है। यस सर। तो जो एनर्जी मैंने दी फोटॉन्स की हेल्प से सरफेस के ऊपर, वो पहले तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगी, है ना, उसमें यूज होगी। और अगर फिर कुछ एनर्जी बच गई वो कहाँ यूज होगी? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। बाहर तो निकल गया जैसे ही हमने वर्क फंक्शन दिया, इतनी एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगर और एनर्जी बच गई हमारे पास, सपोज करो मैंने कितनी एनर्जी डाली थी, 15 यूनिट की, कितनी? 15। 10 यूनिट तो किसमें यूज होगी? निकालने में। निकालने में। और बाकी 5 करंट के लिए। करंट के लिए यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो बाकी एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। आपकी एनर्जी वो बाकी एनर्जी चारों की चारों जो 5 यूनिट की एनर्जी बढ़ी है उससे वो बहुत तेजी से भाग के जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन।
जो एनर्जी मैंने डाली वो किस किस में यूज हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यानी वर्क फंक्शन में, और एक उसकी एनर्जी बढ़ाने। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। डन। चलो डन। यहाँ पे जो एनर्जी मैं लेता हूँ उसको E is equal to क्या देखता हूँ, एच म्यू, तो E की जगह तो एच म्यू लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। पाई नोट भी तो क्या है, एक किस्म से एनर्जी है। यस सर। मिनिमम एनर्जी है ना, वो मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी के लिए अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे को कौन सी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है? लेकिन यहाँ पर म्यू कैसा होना चाहिए? नॉट होना चाहिए। पाई नॉट के लिए भी फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे पाई लिख दूं एच म्यू नॉट, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या है, मिनिमम यानी थ्रेशोल्ड। अगर म्यू नॉट से कम हो तो वर्क फंक्शन की बात ही नहीं होगी क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो एच म्यू इज इक्वल टू एच नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर। तो ये मेरे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, अगर इसको चाहो तो तुम रीअरेंज कर देते हो, लेकिन यही मेरे को सबसे बेहतरीन लगती है क्योंकि इसको तुम आराम से समझ सकते हो, है ना। कुछ इसको ऐसे कर देंगे, एच कॉमन लेके म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। समझ में आ रहा है? वो तुम्हारे ऊपर है कैसे लर्न करो, लेकिन ये लर्न किया करो तो सबसे अच्छा है। लर्न भी नहीं करना है तो भाई एनर्जी जो आई वो तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, जो बच गई उससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, तो एक तो वर्क फंक्शन में यूज हो रही है, दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें लर्न करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसको भी लर्न करवाने की जरूरत है नहीं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नोट। अब V नॉट क्या था बच्चे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आया कहां से? लो देख ही लो यार, पोटेंशियल और चार्ज में क्या रिलेशन होता है सर? वर्क डन अपॉन में Q, यही होता था। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है सबने। यस सर। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में लगभग सेम बात करता हूँ, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैं वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दूं। चेंज है इनिशियली, क्या है? जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया अपॉन में क्यू। किसको, कौन सा चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर वी क्या होता है? पोटेंशियल होता है। और कौन से पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ? जो रोप रहा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सर? ई वी नॉट, यही आ जाएगी। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नोट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखा मैंने? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वही पोटेंशियल था जो कौन सी इलेक्ट्रॉन को रोक सके, जिसकी एनर्जी क्या होती है? है ना, हमने देखा भी था वो छोटे छोटे बॉल बनाए थे इलेक्ट्रॉन के, जिसकी एनर्जी थी जब वो रोका, इसलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसकी जगह ये नहीं लिख सकता क्या? यस सर। पर ये लिख तो ये इक्वेशन बनती जाएंगी, ये जब क्वेश्चन आएंगे ना उसके अकॉर्डिंग तुमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ईवी नोट भी लिख सकता हूँ। यस सर। याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया इसको। यस सर। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत? नो सर। चल अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कुछ हो रहा है क्या हमसे? वेलोसिटीज वाला है, कोई बात नहीं, चलो ये करके देखना है भाई। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना, एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? अगर ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स तो होता है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी बाय लैम्डा। ठीक है, याद रखना इस रिलेशन को, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इनवर्स होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है। अब वो कह रहे सर अगर एक मेटेलिक सरफेस पर, सॉरी मैंने लाइट डाली जिसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है। ठीक है,
उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको करंट को रोकने के लिए कितना है? 3 V0. V0. अब सेम सरफेस को मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ? लैम्डा की जगह 2 लैम्डा की वेवलेंथ डाल रहा हूँ, ठीक है? अब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? V0. पहले लैम्डा था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था 3 V0, अब 2 लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0. बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वही जब फ्रीक्वेंसी क्या हो? थ्रेशोल्ड. यस सर. समझ में आ रहा है? कोशिश करके देखो कैसे. तुम, मैं इसका कहता हूँ तुम मेरे को वर्क फंक्शन निकाल दो बस, बाकी मैं बताऊ. तुमने क्या निकालना है? फाई की वैल्यू, फाई नोट वाली वैल्यू निकाल के देखो कैसे निकालोगे. The stopping potential for the water is 3 V0. इक्वेशन लिखते जाओ, इक्वेशन. ये ड्यूअल नेचर ऐसा ही होगा, तुम इक्वेशन लिखते जाओगे आंसर आता जाएगा. अच्छा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, जैसे हम शुरू से करते हैं, हमें कुछ नहीं पता. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है सर? 3 V0. जब लैम्डा कितनी है? लैम्डा ही है. तो सर हमारे को जो इक्वेशन पता है उसमें तो सर ये होता है कि E जो है वो किस किस में यूज हो रहा है? एक तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है क्या? नहीं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की है तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन भी पता है सर. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी. तो ऐसे लिख दूं क्या सर? E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में ईवी नॉट. सर E की वैल्यू क्या लिख दूं? H म्यू. म्यू म्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी बाय लैम्डा लिख दूं. यस सर. फाई नॉट है क्या? लिख देते हैं प्लस. जब लैम्डा थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था? 3 V0. E और यहाँ पर क्या लिख दूं? 3 V0. कोई दिक्कत? नो सर. इसको सोल्व करोगे थोड़ा तो ऐसे लिख देगा क्या? एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में 3 E V0. कोई दिक्कत? नो सर. चलो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम रखते हैं. एच सी बाय 2 लैम्डा. कितना लैम्डा लिखूं? 2 लैम्डा. 2 लैम्डा क्योंकि अब मेरी वेवलेंथ कितनी है? 2 लैम्डा. और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? ई वी नॉट. तो ऐसे लिख दू फाई नोट प्लस में V0. वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी वो सरफेस पे डिपेंड करती है, तो सरफेस तो दोनों में सेम ही है, तो फाई वर्क फंक्शन अभी देखते हैं तो सेम ही रहेगा. यही निकालना है, एक बार निकालो. इन दोनों इक्वेशन को यूज करके तुम फाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ट्राई करते हैं. ट्राई करो. फाई नोट की वैल्यू निकालनी है. कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में भी ले लेंगे, ये आज नहीं होगा क्योंकि हमने थोड़ा इंटेंसिटी वाला समझाना था, है ना? मुझे लगा तुम्हारे को आइडिया हुआ आई थिंक, बट इट्स ओके. हम इसको कल तक खींचेंगे थोड़ा, कल हम खत्म करेंगे ड्यूअल नेचर. ओके? यस सर. हाँ तो पहले मुझे ये निकाल के दिखाओ फाई नोट की वैल्यू क्या आ रही. ईवी नॉट आई. उसमें एच सी कुछ नहीं आ रहा, लैम्डा लुम्डा कहीं नहीं आ रहा. देखो जिसको समझ में नहीं आता ना वो क्या करके देखा करो, कुछ भी कर दो. इस इक्वेशन को सोल्व करना है तुमने ईवी नोट की फॉर्म में, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? तो कैसे करके देखोगे? थोड़ा बहुत करके सोचो. सर यहां से ऐसा भी तो कर सकता हूँ सर, मैं ईवी नोट की वैल्यू निकाल दू, ऐसा कुछ कर लू. हाँ जी. इसके अंदर पुट कर दू, ऐसा नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं. तो EV नोट की वैल्यू क्या आती है? HC by 2 lambda minus phi नोट. यही आएगी? यही आएगी ना? Yes sir. तो पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में. HC by lambda is equal to phi नोट प्लस में क्या लिख दो? 3, है ना? और कुछ कोई किसी को ये समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, वो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे. सब्ट्रैक्ट कर देगा तो phi नोट से phi नोट क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना. तो ये क्या रह जाएगा? एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा. लैम्डा यही रहेगा?
Yes, sir. Is equal to EV naught minus 3E. V naught. तो इसको सोल्व करो क्या आएगा? It's C lambda by minus 2 EV naught. ऐसा ही आएगा क्या कुछ? Yes, sir. माइनस एच सी बाय टू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू ईवी नोट आ रहा है क्या सबका? देख लो, मैंने सिर्फ ये किया, टू लैम्डा एलसीएम आ जाएगा, एच सी रह जाएगा, लैम्डा यहाँ से टू एच सी आ जाएगा, माइनस एच सी बाय टू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू वी नोट। देख लो किसी का ये नहीं आ रहा, तो प्लस नहीं जाएगा बीच में? हाँ, कौन सा प्लस हो जाएगा? माइनस है ना? सर इस साइड सर ईवी नोट, ये वाला ईवी नोट माइनस थ्री ईवी नोट है। देखो मैंने इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया ना, इसमें से इसको माइनस किया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये तो कट ही गए, फिर ईवी नोट में से थ्री ईवी नोट को माइनस किया तो माइनस टू ईवी नोट आएगा ना, फिर माइनस ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है? 4 EV नोट H या EV नोट की बता दो क्या आ रही है? सिंपल EV नोट की बाय 4 लैम्डा। हमने ना आंसर किसमें निकालना है? लैम्डा में निकालना है ना, दिख रहा है सबको? Yes, मैं लैम्डा के अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो मैं ईवी नोट की वैल्यू निकाल देता हूँ। ईवी नोट की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? एच सी बाई फोर लैम्डा आ रही है क्या? यस सर। कर दो पुट करना एक बारी, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट में कर लेते हैं। फटाफट फटाफट करके दे। और अच्छा, वो नीट वाले यही है क्या? नीट वाले तो भी आएंगे। जी इफेक्टिव का किसने पूछा था मुझसे? वो इसी में ही है क्या बच्चे? शायद नीट वालों ने पूछा। नीट वालों ने पूछा, हमारा तुम्हारा भी तो होना था ना वैसे जी इफेक्टिव का। किसके घर से आवाज आई भाई? चलो करो करो, क्या आ रहा आंसर? मैं सबको हटा दूं ताकि जगह बन जाए। मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा पूरा। फाइ नॉट की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस में 3 EV naught 3 EV into में क्या आ रही है? यहाँ पे पुट कर दो ना, यहाँ पे HC by 4 lambda HC by 2 lambda क्या आ रहा है? Minus HC by 2 lambda। चेक करते हैं, HC by 2 lambda is equal to phi naught plus में EV naught की जगह क्या पुट किया? HC by 4 lambda HC by 2 lambda, ये तो इस equation से निकाला था ना हमने, यहाँ पे 4 lambda है ना, 4 आए एच सी बाई टू लैमडा माइनस एच सी बाई फोर लैमडा इक्वल टू फाइव नोट, कितना आएगा ये? 4 लैमडा एलसीएम आ जाएगा, 2 एच सी माइनस एच सी, राइट? यानी एच सी बाई 4 लैमडा आ रही है वैल्यू। यस सर। देख लो जिसकी ये नहीं आ रही, फाइव नोट की वैल्यू क्या आ रही है? एच सी बाई 4 लैमडा। और फाइव नोट होता क्या है? मिनिमम एनर्जी यानी एच म्यू नोट। यस सर। तो यही है ना, समझ में आ रहा है? एच म्यू नोट होता है ना, यहाँ पुट करना एच म्यू नोट, यानी एच म्यू नोट की जगह एच सी बाय लैम्डा नोट लिख सकता हूँ। तो इन दोनों कंपेयर करो, एच सी है, लैम्डा नोट की जगह क्या आ रहा है? 4 लैम्डा। तो यहाँ पर पूछा भी तो यही है, कितने लैम्डा होगा यानी 4, तो आंसर 4 आ रहा है। लेकिन ये अभी मैंने समझाया है तुमको एक एक स्टेप, तो तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसको अगर मैं समराइज करूं तो ये कैसे होगा बताओ फटाफट?
सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया मैंने? यस सर। भी देखते हैं फटाफट मैंने क्या इक्वेशन पुट किया। कोई बात नहीं, हमने अभी बेसिक क्वेश्चन हो गए तो हमारे सारे हो जाएंगे। ये बेसिक इक्वेशन है। बेसिक इक्वेशन क्या थी सर? इन्होंने पूछा था सर अगर सरफेस क्या है सेम, और मेरे को पता है वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस की मिनिमम एनर्जी जो होती है वो सरफेस पे डिपेंड कर रही है। अगर सरफेस मेरा कैसा है उसके हिसाब से मेरा वर्क फंक्शन होगा। अगर मेरा सरफेस ऐसा है जिसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकल सकते हैं तो उसकी मिनिमम एनर्जी क्या है, कम है। और एक सरफेस ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहे हैं तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा? ज्यादा ज्यादा। तो या ये क्वेश्चन हम कोई बात नहीं आज के लिए यही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको समझो। उसने बोला एक सरफेस यह वेवलेंथ किससे? लैम्डा। तो सर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे पता है अगर लैम्डा की बात आ रही है तो फॉर्मूला तो मेरा यही लगेगा, एनर्जी किसमें यूज हो रही है सर? वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को सीधा लिख रहा हूं मैं ई वी नॉट। सर ई ई की बात करूं तो एच सी बाय न्यू सॉरी लैम्डा लैम्डा, और ये है फाइनल। यहाँ से देख लो, यहाँ पे तुम सीधा यहाँ पर भी लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पर एच सी बाय लैम्डा नॉट। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फाई नॉट क्या होता है? एच म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन तो यही है ना, सी बाय लैम्डा। तो ये अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? जब मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए, राइट, यही होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं लैम्डा नोट, ये भी मिनिमम वेवलेंथ होगी क्या? जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए। हाँ जी शायद। देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, है ना? समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या है? बोलो बोलो। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, क्योंकि ये कैसा रिलेशन है? इनवर्सली है। यस सर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, राइट? यस सर। सबको पता है ये बात, तो जिसको नहीं पता हैंड रेज कर लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, ठीक है। क्यों बोला मैंने लैम्डा मैक्सिमम क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी है? मिनिमम। मिनिमम है, और ये दोनों आपस में रिलेशन कैसा है इनका? इनवर्सली है ना। याद रखना अगर कोई पूछे थ्रेशोल्ड, तुमसे पूछे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, तो तुम क्या बताओगे मुझे? कौन बताएगा फटाफट? सो क्वेश्चन रिपीट करना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन को निकालने की, इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या बोलोगे? जो मैक्सिमम वेवलेंथ, वेरी गुड, मैक्सिमम वेवलेंथ जो चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। आपने फ्रीक्वेंसी मिनिमम बोला लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम बोला, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली। अगर मैं मिनिमम बोल देता फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को भी, अगर मैं वेवलेंथ को भी क्या बोल देता? मिनिमम। मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसका मतलब वेवलेंथ मिनिमम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती? मैक्सिमम। मैक्सिमम इसका मतलब ऐसा होता कि ज्यादा से ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो मेरे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, ऐसा होता है क्या? फ्रीक्वेंसी तो वो कम से कम देखूंगा ना मैं, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो मेरे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए वो होती है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम किसके लिए यूज होगा? फ्रीक्वेंसी के लिए। और मैक्सिमम किसके लिए यूज होगा?
बोलो सर, वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ के लिए सबको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ लो। आज हम कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं इसका, कोई बात नहीं, आज इतना ही करेंगे। समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। हाँ तो मैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पूरा, ई इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में ई वी नोट। अब उसने बोला इसको सोल्व किया मैंने, एच सी बाई लैम्डा लिखा, इसको क्या लिखा, फाई नोट प्लस ई वी नोट सर। अच्छा तो जब लैम्डा की वैल्यू क्या थी, बोलो बोलो बोलो, लैम्डा की जब वैल्यू लैम्डा ही थी तब मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था उस केस में? 3 वी नोट। वेरी गुड। ठीक है तो एक इक्वेशन तो मेरी आ गई यहाँ से। दूसरी इक्वेशन बताई, जब मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 2 लैम्डा। उस केस में मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? देखो जब फ्रीक्वेंसी लैम्डा 2 लैम्डा है तो पोटेंशियल वी नोट वी नोट है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, राइट। ये दो इक्वेशन है, इनको क्या कर दूंगा, सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दूंगा? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आ जाए, मेरे को पता है वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है एच सी बाय लैम्डा नोट। जो वैल्यू आएगी उसको इससे कंपेयर ही तो करना है बस। मेरी जो वैल्यू आई थी वो आई थी इनको सोल्व करके वर्क फंक्शन एच सी बाय 4 लैम्डा। तो इसको इससे कंपेयर करो, एच सी की जगह तो एच सी ही है, लैम्डा नोट की जगह क्या आ जाएगा बोलो? 4 लैम्डा। लैम्डा नोट विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा। इसने यही तो पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही तो पूछी है। क्या पूछी है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है बच्चे? नो सर। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की टर्म्स में पूछा है ना उसने, कितने टाइम्स लैम्डा है? 4। तो यहाँ पर 4 लिख दो क्या? यस सर। यही करना है। लेकिन ये मिनिमम वेवलेंथ होगी या मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि मिनिमम तो क्या होता है, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ तो आज के लिए इतने करेंगे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। जो भी क्वेश्चन आएंगे ना आगे, ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, एक दो को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है, सब में ये दो इक्वेशन यूज हो रही है। एक तो ये वाली जो मैंने एनर्जी की फॉर्म में बताई थी, ई इज इक्वल टू एनर्जी किस किस में यूज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा गुड इवनिंग। एक सेकंड, और दूसरी कौन सी इक्वेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये दोनों इक्वेशन यूज हो रही है। अब कितने ही क्वेश्चन कर लो यहाँ पर, सब में ये इक्वेशन यूज हो, दिख रहा है? यस सर। तो अब जाके सबसे अब ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। आज जाके ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए सबसे ज्यादा देर लगाई, ये ग्राफ तुम्हें अब समझ में आ गई चारों के चारों? यस सर। बाहर कोई ग्राफ नहीं आएगा इस चैप्टर में, ये जो चार ग्राफ है ना बच्चे, तुमने देख लो ये क्वेश्चन में ये ग्राफ देखा हुआ है, देख रखा था ना तुमने पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी का ये भी ग्राफ देख रखा है तुमने, देखना ये किस किस के बीच में है, देख लो एक बारी, फ्रीक्वेंसी के बीच में है और किसके बीच में है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं या नहीं होते? यस सर। जितनी ज्यादा एनर्जी, बोलो, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखो, वेरी गुड, इधर देखो, हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर, एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे या इंटेंसिटी पे? फ्रीक्वेंसी पे। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो ये देखो इनमें से कौन सा ग्राफ सही लग रहा है तुम्हें, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किससे ज्यादा? थ्रेशोल्ड से। तो बताओ कौन सा ग्राफ तुम्हें सही लग रहा है ए बी सी डी में से, सबके अंदर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर रहा हूं उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
किससे ज्यादा? थ्रेशोल्ड से ज्यादा। तो बताओ किसमें थ्रेशोल्ड से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, कौन सा ग्राफ है ऐसा? बी। सबको दिख रहा है? देखो यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मान लो इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या कोई एनर्जी आ रही है? आ रही है क्या? नो सर, नहीं आ रही। और इसके बाद अगर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ एनर्जी बढ़ रही है ना, yes, ये बी ग्राफ आ जाएगा। जैसे हमने इसका देखा था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और हमारा फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली रिलेशन था, लेकिन अगर स्टॉपिंग मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? जीरो, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को तो हैंड रेस करो, वरना फिर आज घर से ट्राई करना है क्वेश्चन, फिर हम अगला स्टार्ट करते हैं। डन। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। यस सर। चलो ठीक है, आ गए नीट वाले सारे? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इनको 2 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, जेई वालों को। ठीक है। हाँ, तो हमारा चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट? यस यस सर। ठीक है, हम वही करेंगे। तो कोई घर से पढ़ के आयो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? यस सर। नमस्कार, हैप्पी लोरी, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया। यस सर, हम भी बढ़िया। तो अभी करते हैं जेई वाले, एक बार हैंड रेस करना। ठीक है, ओके, हैंड डाउन कर लो बच्चे। ठीक है, हाँ, तो मैं बोर्ड शेयर करता हूँ। अच्छा, अस्मिता अस्मिता ने पूछा था क्या वो क्वेश्चन जो मुझे अब याद आ गया? देखो मेरे को जो वो कह रहे थे जी इफेक्टिव के बारे में बताना है, कौन था वो? यस सर, मैं थी। हाँ, तो जी इफेक्टिव के बारे में सब पढ़ के आए हैं भाई? यस सर। अस्मिता ने तो बताया था कि क्या होता है ना, मैंने उनको बोला भी था कि हाँ ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत। तो बाकी सब क्या लगता है जी इफेक्टिव क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? सर, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अ पार्ट्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट देम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम जी प्लस ए। जी प्लस ए व्हिच इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो इस केस में हो गया। तो पेंडुलम के केस में जी इफेक्टिव क्या होगा? हमने पूछा था, एक क्वेश्चन था हमारे पास कि यहां पे एक पेंडुलम था, यही था ना क्वेश्चन? पेंडुलम वाला। तो इसको मैंने हल्का सा क्या किया बच्चे, डिफ्लेक्ट किया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा थीटा डिग्री एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा डिग्री। थीटा डिग्री एंगल पर, तो ये थीटा है। तो और यहाँ से मैंने क्या डाल रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डाल रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया था, मैंने डिफ्लेक्ट हुआ था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक फोर्स बनाई थी हमने क्यू ई, राइट? इसके ऊपर फोर्स लग रही थी, ये लॉज ऑफ मोशन में ही है इसका, देखो आंसर एम जी। और यहाँ पर क्या लग रही है, टेंशन, राइट? यस सर। देखो क्यू ई और एम जी के बीच में पहले तो एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो ध्यान से देखना, पहले अगर ये जो हम नॉर्मल करते थे 11th क्लास में, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं था, तो सिर्फ टी होता था और सिर्फ क्या होता था, एमजी होता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि क्यू ई आ गया, तो अब जो नेट
इसको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही थी, क्या अब यहाँ पर अट्रैक्ट हो पाएगा एग्जैक्टली? क्योंकि यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, एक और फोर्स लग रही है जिसको क्या बोल रहा हूँ, क्यू ई। तो एम जी का अब वो वाला इफेक्ट तो नहीं रहेगा ना जो नॉर्मल होता था। नॉर्मल तो ऐसा रहता था, नॉर्मल केस में तो हमारे पास एक एक तो टेंशन लगती थी और क्या लगता था एम जी, तो सिर्फ नीचे क्या लगता था एम जी लगता था और एम जी उसको नीचे खींचने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर एम जी को एम जी क्या पूरा खींच पा रहा है इसको नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स है क्या क्यूई। एम जी का जो रोल पहले था वो वाला रोल नहीं आएगा। एम जी का जो जी वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना, एम तो क्या है कॉन्स्टेंट है बोर्ड का, तो फर्क पड़ेगा वो जी से पड़ेगा। तो एम जी अब उतनी फोर्स, एम जी का असर अब उतना नहीं रह जाएगा, एम जी का असर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कितना चेंज होगा अब उसको मान लेते हैं रिजल्टेंट, इसका और इसका जो होगा वो क्या होगा रिजल्टेंट होगा। तो उस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं एम जी अफेक्टिव। क्या एम जी अफेक्टिव? ऐसा क्यों बोला सर? एम जी इफेक्टिव का मतलब क्या है सर? अगर यहां पर क्यू ई, सुनो पहले तो इसके ऊपर सिर्फ नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही थी MG. लग रही MG. थी और नीचे सिर्फ एम जी खींच पा रहा था और पूरे अच्छे से खींच पा रहा था, क्योंकि सिर्फ ये एक तो टी साइन थीटा इसको अपोज कर, टी साइन थीटा था और यहाँ पर क्या था टी cos थीटा, और यहाँ पर अब क्या आ गया एक साथ में जितना वो पहले खींच पा रहा था उसका थोड़ा सा इफेक्ट। तो ये अब जो नेट फोर्स है वो क्या सिर्फ एम जी पे डिपेंड कर रही है? तो डिपेंड कर रही है ना, तो एम जी का चेंज हो गया। तो मैंने इसको एम जी इफेक्टिव भी छोड़ो, इसको क्या बोल दिया मैंने अभी के लिए रिजल्टेंट। क्यू ई और एम जी का रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा ना, आएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो देखेंगे, लेकिन आएगा तो इनके बीच में आस पास कहीं, है ना। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता था रिजल्टेंट के? बी की जगह क्या लिखूं भाई? ए में एम जी का स्क्वायर, एम जी का होल स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा। ए बी कोस क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या है इन दोनों के बीच? 90 डिग्री। कोस 90 तो क्या होता है सर? जीरो। तो रह जाएगा सिर्फ ये, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी सिर्फ रिजल्टेंट है राइट? यस सर। जब नॉर्मल कंडीशन थी तो सिर्फ क्या लग रहा था एम जी, लेकिन अब एम जी के साथ क्यू ई भी लग रहा है, तो एम जी का जो इफेक्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा राइट। MG उतना असर नहीं डाल पाएगा जितना पहले डालता था राइट? यस सर। या ज्यादा भी डाल सकता है या कम भी डाल सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है। अब MG का जो रोल है वो कौन डिसाइड करेगा? रिजल्टेंट की वैल्यू। इस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूँ MG इफेक्टिव। MG इफेक्टिव, रिजल्टेंट की जगह जब MG इफेक्टिव लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या आ रहा है, MG इफेक्टिव किसके इक्वल आ रहा है? क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, यही आ रहा है सर। हाँ बोलो बोलो अस्मिता। सर इसको हमने QE इफेक्टिव क्यों नहीं बोला? QE इफेक्टिव इसलिए नहीं बोला क्योंकि QE तो अभी लॉन्च हुआ है ना। QE के अलावा कोई फोर्स, QE तो एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, yes, है ना। फर्क किस में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है मेरा, कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। क्यू भी मेरा कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। एम भी मेरा कांस्टेंट है या नहीं है? Yes, sir. तो फर्क किसकी वजह से पड़ेगा? जी मेरा चेंज हो सकता है ना, हमने पढ़ा है वेरिएशन हो सकता है, जी हो सकता है ना, ये वेरिएशन जी में हर जगह जी का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जी इफेक्टिव का रोल क्या है? देखो जब तुम करोगे ना वेरिएशन इन जी ड्यू टू पोल ड्यू टू इक्वेटर करते थे सब शेप ऑफ द अर्थ, उसमें हमेशा तुम कौन सा वैल्यू लेते थे? जी इफेक्टिव लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो जी इफेक्टिव ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर MG का रोल अब वो वाला रोल उतना रोल प्ले नहीं कर पाएगा जितना पहले करता था, क्योंकि अब एक और फोर्स आ गई क्यू। क्या आ गई? क्यू। उसकी वजह से यहाँ पर मैंने MG इफेक्टिव लिखा।
ये क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हुआ है, वरना ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता था, तुम नॉर्मल फोर्स को करो लेकिन वो लंबा मेथड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। एम जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, एम को उधर ले जाऊंगा, एम को उधर ले जाऊंगा तो जी, या एम से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा सर, क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मैथ्स वालों को तो समझ में आ रहा होगा ये होल स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, है कोई मैथ्स का यहाँ, क्या जेई वाले हैं गए सारे? ये सर सर लग गया पता, ये तो नहीं, नीट वाला बोला है ना कोई सर लग गया पता, यस सर। जेई के हैंड रेस करना, जेई वाला कोई है यहाँ पर जेई का? लगता है हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा था क्या, सिर्फ जेई नीट की क्लास थी अब, कोई बात नहीं, तुमको समझ में आ रहा है? यस ठीक है, कोई बात यस सर कोई बात नहीं, ठीक है मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो क्यू ई का स्क्वायर था यहाँ पर, और यहाँ पर एम जी का स्क्वायर था, राइट? अब ध्यान से सुनना, मैंने दोनों को डिवाइड बाय एम किया, क्योंकि ये चीज कैसे थी, अंडर रूट में थी, तो मैंने डिवाइड बाय एम किया, तो ये अगर मैं एम यहाँ पर रखता हूँ तो अंदर जाके मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कट के क्या आएगा, सिर्फ एम, इसलिए मैंने अंदर रखा तो मैंने एम का स्क्वायर रखा, तो यहाँ पर भी एम का स्क्वायर रखूंगा, इस एम के स्क्वायर से तो एम जी का एम का स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ जी का स्क्वायर रह जाएगा, इस एम के स्क्वायर को तो कोई काटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर आ जाएगा, एम का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में सिर्फ जी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी इफेक्टिव का, राइट? यस सर। तो ये जी इफेक्टिव की वैल्यू है सर, अब जी इफेक्टिव की वैल्यू निकाल ली क्यों, इसको सिंपल फॉर्मूले से सोल्व कर लेते सारी हमारी क्या नाम है फोर्सेस को रिजोल्व करके, ये भी तो क्वेश्चन उठता है, राइट? यस सर। ये क्यों उठता है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का तुम्हें फॉर्मूला पता है बच्चे, टाइम पीरियड का क्या, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये होता था एल बाय जी, लेकिन देखो 2 पाई भी कॉन्स्टेंट है, यस सर, एल भी कॉन्स्टेंट है, यस सर, सर फर्क किस पे पड़ता, जी पे, तो मैं पेंडुलम में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो उसके टाइम पीरियड का फर्क कौन पड़ता है, सिर्फ जी पर, तो अगर जी की वैल्यू मेरे को पता लग गई, जी इफेक्टिव की, तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा ना, क्योंकि बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, 2 पाई का 2 पाई लिख दिया, अंडर रूट एल का अंडर रूट एल लिख दिया, जी इफेक्टिव की जगह क्या लिख दूं, जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है, क्या निकाला है, अंडर रूट क्यू ई बाय एम स्क्वायर प्लस में जी का स्क्वायर, ये इसका आंसर है, समझ में आ रहा है? Yes, उसने यही पूछा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है और इसको डिस्प्लेस किया है तो इसके टाइम पीरियड की वैल्यू बताओ, तो टाइम पीरियड के लिए तो मेरे को फॉर्मूला पता ही है पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है सर, जी इफेक्टिव की वैल्यू मैंने डाल दी सीधा, क्यू ई स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, ये तो मैंने निकाल लिया ना अभी, yes, sir. तो बस yes, यही किया मैंने, अभी किसी को डाउट है जिसका क्वेश्चन था वो भी बताओ, और जिसको पूछना है वो भी पूछो। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो हम अभी अब लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक वगैरह जो है निकाल लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, मैं चार्जिंग लगा दूँ, सॉरी लैपटॉप। हाँ भाई, सबको दिखाई दे रहा हूँ मैं, यस सर, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से आगे, सर, तो सब, हाँ, किसी का क्वेश्चन है कोई, बोलो, है तो, सर,
हाँ बोलो सर, मैंने आपको ट्रेजेक्टरी वाला क्वेश्चन भेजा था ना, बट आपने देखा नहीं। हाँ 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 वो बच्चे मैंने अभी देखा है, वो ठीक है वो क्वेश्चन। ओके मतलब मेथड ठीक है और आंसर मैं टैली करके बता दूंगा, मेथड ठीक है, तुमने भी वैसे ही किया डिफरेंशिएट करके, और उसका एक अभी स्लोप अगर मैं निकाल के देखूँ तुम्हारी इक्वेशन का तो वही आ रहा है जो आना चाहिए, 3/2, राइट, 3/2 या 2/3, yes, तो सही है वो क्वेश्चन, ठीक है। okay, कोई और डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब कर रहे थे हम लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन सब पढ़ा है? yes, yes, कोई ऐसा प्राणी जो नहीं पढ़ के आया हुआ थोड़ा बहुत? नो सर। चलो नो सर, चलो करते हैं इसके बारे में। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पहले पढ़ रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, आज उनके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, अब हम वेरिएबल्स की फॉर्म में, अब मैंने तुम्हें वो तो बता दिया, अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं सबको पता। यस सर। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। एक ये मेरी कोई सीलिंग है जिसके साथ एक स्ट्रिंग है और एक मास लटकाया हुआ मैंने, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ये, 2 kg का, ठीक है। फाइंड आउट, अगर ये रेस्ट पर है, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्प्रिंग, आंसर बताना है मेरे को फटाफट। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक से भी बेसिक। अगर ये कैसा है, रेस्ट पर है, तो इसकी टेंशन बताओ। किसी का आंसर आया? इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। कितना? 20 आ गया, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत आई? नो सर। यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, नीचे एमजी लग रहा है, तो टी इज इक्वल टू एमजी आ गया सर, 20, क्योंकि 2 × 10 इज इक्वल टू 20। अब एक क्वेश्चन लिखो ध्यान से सर। एक बॉडी है 10 g, जरूरी थोड़ी है फ्री बॉडी में है, 10 g की बॉडी है जिसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है सर 10i cap + 5j cap, और एक न्यूटन में है, फोर्स की वैल्यू है, ये मास की वैल्यू है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है अगर ये बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, कैसे रेस्ट से, व्हाट वुड बी द इट्स पोजीशन आफ्टर 5 सेकंड, बताओ। जो एट टाइम इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, एक बॉडी थी जो रेस्ट से मूव करी है जिसके ऊपर मैंने फोर्स कितनी लगी है 10i cap + 5j cap, और उसका मास गिवन है 10 g, तुमने बताना है उसकी पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। पोजीशन में उसका देखो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा तुम्हें, x कंपोनेंट भी आएगा और y कंपोनेंट। क्वेश्चन दोबारा बोलूं क्या? नो सर, आ गया समझ। करो फिर करो, जब होए तो बताना, 1 सेकंड का टाइम लो। आया किसी का आंसर? यस सर। क्या आया बताओ सर? तनिष्का का आ गया आंसर, सही है तनिष्का आंसर भी, वेरी गुड।
देखो चलो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्वेश्चन, तुम पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। इसने तो पोजीशन पूछी है ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम एक्सेलरेशन निकालो इसका। क्या निकालो? एक्सेलरेशन। मास गिवन कितना है? 5 ग्राम। फोर्स दे रखी है कितनी? 10i कैप प्लस 5j कैप। बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ अगर बॉडी कहाँ से मूव किया? रेस्ट। अब ये तो निकाल दोगे सब? Yes, तो F का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर I कैप J कैप में ही आएगा, फटाफट बताओ क्या है, देखते हैं आंसर इसी में निकालते हो या तुम किस में निकालते हो। चलो और आसान करूं इसका एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, उसमें आई कैप जे कैप भी नहीं आना चाहिए, और बताओ। मैं भी अपना कैलकुलेटर साथ में रख रहा हूं, इकट्ठे सोल्व कर रही है। बोलो तुम आंसर। आया भाई किसी का आंसर? चलो हम स्टार्ट करते हैं, नहीं आया तो आओ। एफ इज इक्वल टू क्या है बच्चे? एम ए। मास की वैल्यू क्या इतनी गिवन है? 5 ग्राम। किसी का आया भी आंसर? 10 ग्राम। 5 ग्राम। ओके कोई बात नहीं दिनेश, 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 5/1000 यानी 0.05 लिख तू क्या? 0.05 kg। कोई दिक्कत भाई? 5 ग्राम को केजी में बदलूंगा तो कैसे लिखूंगा? यस सर। कितना लिखूंगा? 0.005। तुमको ज्यादा लग रहा है तो तुम इसको 10 ग्राम ले लो और इसको आसान करते कैलकुलेशन। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 10/1000 0.01 लिख दू क्या? ये 0.001 लिख दू? फटाफट बोलो। 0.01 ठीक लिखा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर केजी है, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दो सर। F is equal to ma लगाऊंगा तो सर मास का तो मैग्नीट्यूड पता चल गया सर, 1/1000 मतलब 10/1000 यानी 0.01 kg हो गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता करना है ना सर, तो सर फोर्स का भी क्या पता होना चाहिए मेरे को? मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन 10i कैप प्लस 5j कैप, इससे क्या मैग्नीट्यूड नहीं निकल सकता क्या? यस। 10 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 25। चलो कोई बात, इसको भी यही छोड़ो। अंडर रूट 125 आ रहा है सबका? Yes or no? Yes, sir. आ रहा है सर? सर
ठीक है, अंडर रूट 125 तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा सबको? यस सर, ठीक है सर, यहाँ से निकाल दिया मैंने, और सर अब एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ यहाँ से अंडर रूट 125 लिख दो, ये तुम्हें पता ही है, यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगी। यस सर। और जिसको ये पार्ट ऐसे नहीं करना वो ऐसे कर सकता है सर, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा सर, एफ की वैल्यू है सर 10i cap + 5j cap राइट? Yes, sir. Is equal to mass. Mass कितना है सर? 0.01 kg. Acceleration निकालना है, तो acceleration क्या होगा? 10i cap + 5j cap इसका 1/10 नहीं 0.01 यही होगा ना, 0.0 सॉल्व कर दो बस, बाद में फिर से तुम्हें ये तो सब करना ही पड़ेगा। अब डिवाइड करके कर सकते हो सीधा, तुम इसको कैसे लिख सकते हो 10/ इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना 1000 × 10i cap + 5j cap, कोई दिक्कत? No. तो जब इसको सोल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे अब? Yes, एक्सेलरेशन निकालना, अब क्या आएगी वैल्यू बताओ मुझे, फिर हम मैच करो। 3000 था या 100 था, क्या कह रहे हो? 100 आएगा, निकाल सकते हो क्या? जिससे ये भी नहीं हो रहा ना, वो इससे भी आसान तरीका कर सकता है, 1110। ये क्या निकाला है बच्चे आपने अस्मिता? टोटल फोर्स, एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन साइड में। अच्छा ये वाला, ठीक है सर, जो आपने साइड में किया था अंडर रूट 125 करके तुमने किया है ना, तुमने इसका अंडर रूट ले लिया 125 का, ठीक है, ये और इसको डिवाइड कर दिया 0.01 से। इसको ये भी नहीं आता ना, वो क्या क्रिया करे जिसको ऐसे क्वेश्चन गंदे लगते हैं सर, इसमें मेरे को पूछा था एक्सेलरेशन, बाकी सब क्वेश्चन को छोड़ दो सर, एफ दे रखा था मुझे कितना 10i cap + 5j cap ना, 5j cap कौन सी डायरेक्शन है एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है वाई, वाई। तो सर मैं एक्सेलरेशन का पहले कौन सा फोर्स किस में निकाल देता हूँ, एक्स कंपोनेंट में, तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी कौन सा कंपोनेंट होगा X. तो फोर्स एक्स कंपोनेंट में कितनी है, 10 इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन कितना है निकालना ही है ना सर, मास तो तुम्हें पता ही है कितना है 0.01। यस सर, वो ऐसे कर लो भाई, ये तो कर लोगे सब। यस सर, यस सर, 0.01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सी, एक्स डायरेक्शन, ये क्या आ जाएगा 1000 आएगा या नहीं आएगा, नाम से भी चेक कर लेते हैं, वो एक्सेलरेशन अगर दे 1000 ये एक्स में, एक्स इज इक्वल टू 1000 आ रहा है सबका, देखो इसको भी सोल्व कर दो चाहे, देन हैंड रेस करो जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब ए वाई निकालना हो तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू में, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 5, मास की वैल्यू कितनी है 0.05, ए वाई निकालना है तो क्या हो जाएगा सर 5/0.01 ए वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, कोई दिक्कत? नो सर, इज इक्वल टू ए वाई, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा वाई। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बता दो फटाफट, चेक भी कर लें इसका आंसर, 500, ठीक हो जाएगा। yes, sir. मेरे को फोर्स दे रखी थी आई और जे में, और मैंने ए निकाला है, सबको सब निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन एक्स में कितनी है और एक्सेलरेशन वाई में कितनी है, जिसको इसमें डाउट है वो पूछो, हैंड रेस करो, चलो ठीक है। अब कुछ नहीं पूछा उसने, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन क्या गिवन था,
क्वेश्चन क्या गिवन था बताओ? क्वेश्चन ये गिवन था कि सर इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यही बताना था। यस सर। आपको क्या बताना है? पोजीशन बतानी है जब टाइम की वैल्यू क्या हो? 5 सेकंड। सर बता दो फिर इसको सर, क्या दिक्कत है? टाइम की वैल्यू हो सर 5 सेकंड, तो इसकी पोजीशन बता देते हैं। टाइम की वैल्यू 5 सेकंड, तो सर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है बॉडी, तो मेरे को एक इक्वेशन पता है सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at square। लेकिन मेरे को a x में पता है और a y में पता है, इकट्ठा नहीं पता, तो मैं पहले इक्वेशन x में लगा देता हूँ। s x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ a x t। वैल्यू क्या है सर? निकालनी है ना पोजीशन, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूं? जीरो। ये तो कट जाएगा हाफ, ए एक्स की वैल्यू 1000 और टाइम 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर 25। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से सोल्व कर दो सर, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 1,2500। यस सर। तो एस एक्स की वैल्यू तो आ गई सर मेरी 12500, यानी ये क्या लिख दूँ उसको 12500, ठीक है। एस वाई भी ऐसे निकाल सकता हूँ क्या सर? अब एस वाई तुम निकाल के दिखाओ फटाफट। एस वाई इज इक्वल टू ए वाई टी प्लस में हाफ, सॉरी यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यू वाई टी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूं? जीरो, कट जाएगा। तो एस वाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी? हाफ इंटू में ए वाई क्या है? 500। बताओ अब टी की वही 5 लिखूंगा तो 25। अब बताओ एस वाई की वैल्यू क्या आएगी फटाफट सोल्व कर? 6250। तो क्या ये पोजीशन नहीं होगी क्या पार्टिकल? यस सर। कोई दिक्कत? और यही तुम डायरेक्ट भी सोल्व करते थे, अगर ये जो जैसे उसने निकाली थी, किसने वाला? अस्मिता ने निकाली थी शायद, अस्मिता ने निकाली थी। यस सर। हाँ, जो अंडर रूट करके आंसर मेरे को किसने भेजा था? सर मैंने। हाँ, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आंसर भी ठीक आएगा, अगर मैं चेक कर देता हूँ यहाँ से एक बार वो आंसर ठीक है या नहीं। कैलकुलेशन तुम्हारी अंडर रूट करके आंसर आया है 13 पॉइंट कुछ आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा 13 पॉइंट नहीं, 1397.42। ये कैसे आया सर? कुछ नहीं गया, उसका आंसर किस में है? आई और जे में है ना? यस सर। अगर मैं आई और जे में ना निकालना चाहूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, मेरे को ऐसा करना पड़ेगा 12500 का स्क्वायर प्लस में 6250 का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही निकालता हूँ मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला याद है? अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो सिर्फ ये, वरना ये तो तुम्हारा कोई गलत कर ही नहीं सकता अगर ऑप्शन में हो, ठीक है। आ गया सबको? मैंने कुछ नहीं किया भाई, एक्सेलरेशन दे रखी थी, सॉरी फोर्स दे रखी थी, तो मेरे से पूछा था पोजीशन बतानी है। पोजीशन के लिए मेरे को पता है फॉर्मूला होता है s is equal to ut plus half at square, ut क्योंकि u जीरो था, तो s की वैल्यू हाफ at square होनी चाहिए। तो s की वैल्यू हाफ at square के लिए मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो पहले मेरे को एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो एक्सेलरेशन मेरे को x डायरेक्शन में पता था, तो मैंने s x का फॉर्मूला लगाया, फिर s y का निकाला, तो देखा s x की वैल्यू ये आई और s y की वैल्यू ये आई। किसी को डाउट? सिर्फ काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया मैंने, f इज इक्वल टू ma यूज किया है, और साथ में क्या यूज किया? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। किसी को ये डाउट? फटाफट। No, sir. अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन व्हेन द, ये सबसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूँ, फोर्स दे रखी है किसी बॉडी पर 3i कैप प्लस 6j कैप, और उस बॉडी का मास है बच्चे 2 किलो का, बताना इसकी एक्सेलरेशन।
ऐसे ही बताना आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। अच्छा बेटा तुम्हारा बायो की क्लास कब होती है? 6 to 7 होती है ना? यस सर। ठीक है, कल तुम्हारी इस टाइम तो केमिस्ट्री की लगेगी, ठीक है? और हम जो टाइम रख रहे हैं ना वो रख रहे हैं 10 to 12 का, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। उसमें हम क्या करेंगे देखना ध्यान से, 10 to 12 का टाइम रख रहे हैं, उसमें हम 10 to 11 तो क्या करेंगे आपका एटम चैप्टर करेंगे। Yes, sir. ठीक है, नया चैप्टर मैग्नेटिक वाला तो खत्म हो गया हमारा, राइट? मैग्नेटिक वाला खत्म हो गया हमारा, किसी को डाउट उसमें? नो सर। और उसके बाद हमने एटम स्टार्ट करना था, तो एटम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 11 टू 12 अपना लॉज ऑफ मोशन करेंगे, यही वाला। सो ओके, यस सर। तो आया किसी का? एक बच्चे का आंसर आया? यस सर। हाँ, सबका आया 1.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यही आया? यस सर। यस सर। चेक करते हैं फटाफट। एफ इज इक्वल टू होता है सर एम ए, एफ की वैल्यू है इसको, लेकिन स्पीड बढ़ाओ बच्चों इसकी, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो सर कैसे करूंगा इसको, 2 से डिवाइड कर दूंगा सर, डिवाइड हो जाएगा 1.5 आई कैप प्लस 3 जे। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हो जाएगा? यस सर। अच्छा पोजीशन बताओ बॉडी की जब एक्स, जब टाइम की वैल्यू हो 4 सेकंड, बताओ बॉडी की पोजीशन यानी एस की वैल्यू बताओ, एक्स की या एस की कुछ भी बोलो। इनिशियली रेस्ट पे। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसने पूछा, इनिशियली रेस्ट पर। आया किसी का आंसर? सर 12 आई कैप प्लस 24 जे कैप। दोबारा बोलो, 12 आई कैप प्लस 24 जे कैप। चलो चेक करते हैं बच्चे, अभी मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने, मेरे को ऐसे ही बनाया अभी। ठीक है, जिसने भेजा है उसने भी यही भेजा, चलो चेक करते हैं। F is equal to ma था तो वो निकाला सर, sx की वैल्यू निकाली, ux t plus half ax t का स्क्वायर, यही किया था सबने। तो यू ए एक्स की वैल्यू क्या थी? 1.5 इंटू 8 क्या होता है? 12 होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आ गया। एस वाई भी ऐसे ही निकाला, एस वाई क्या हो जाएगा? हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, हाफ इंटू ए वाई क्या है? 3 इंटू में फिर 16 ये 24 हो जाएगा, तो यानी 12 वाई क्या प्लस 24 जे क्या। अब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो बढ़िया, किसी को दिक्कत है तो पूछ लिए बच्चे। नो सर। नो सर। और फिर आगे चलते हैं, अब पोजीशन वाले क्वेश्चन हो गए डन, तो मैं ये समझ सकता हूँ।
बॉडी के एक्सेलरेशन हो रहा है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉडी का मास है बच्चे 5 kg, बताओ बॉडी की फोर्स, लेकिन आई कैप और जे कैप की फॉर्म में बता। बॉडी मोशन कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और बताओ बॉडी की फोर्स पर आई का कंपोनेंट कितना होगा और जे का डायरेक्शन। ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में, याद है। एक सेकंड का क्वेश्चन है, एक सेकंड का, फटाफट करो। सर 0.2 आई कैप एंड सर एंड जे कैप, सर वर्टिकल में तो जीरो नहीं आएगा, वर्टिकल में तो बिल्कुल जीरो ही आएगा फोर्स, क्योंकि सर वर्टिकल में कुछ ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही जीरो है। लेकिन तुमने हॉरिजॉन्टल में क्या निकाला, 0.10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा, क्यों, एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एम की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 2, तो आंसर क्या आना चाहिए 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये तो थे क्वेश्चन छोटे छोटे हो गए जो हमारे, अब लिफ्ट क्या एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। यस सर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है सर ये एक लिफ्ट दे रखी है, किसी ने कुछ बोला yes. हाँ बिल्कुल सही है तनिष्का, तो यहाँ पर मास है सर m, ठीक है, इस लिफ्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है सर नीचे की तरफ, कुछ है a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ कि ये लिफ्ट नीचे आ रही है, सो दैट द ब्लॉक ऑफ द मास m एक्सर्ट अ फोर्स, क्वेश्चन सुनना, ब्लॉक ऑफ मास m एक्सर्ट्स अ फोर्स कितनी, mg/4 ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। तो क्या पूछा, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, ये जो ब्लॉक दिख रहा है सबको, एम मास का दिख रहा है सबको, यस सर, ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, यस सर, है ना, अगर उस फोर्स की वैल्यू क्या हो, mg/4 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ फटाफट, कोशिश करके सोचना, पहले तो क्वेश्चन समझो आराम से, जिसने नहीं पढ़ा इसको मैं क्वेश्चन है, चल मैं बोल ही देता हूँ, विद व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स इन द फिगर डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे आना, सो दैट द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ mg/4 ऑन द फ्लोर। अब मैंने तुम्हें कल ही एक बार बताई थी, तुम्हें अगर ये समझ में आ गया ना, जो बॉक्स ने फ्लोर पर जो फोर्स लगाई है सरफेस पर, उस फोर्स का नाम क्या है, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए MG. ये तुमने सोचना है, कल मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की थी, सिर्फ m अपॉन हर्षी का थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में, देखो आंसर में पास हो आंसर के, लेकिन या तो तुमने कुछ राइटिंग मिस्टेक की है या कुछ, तनिष्का क्या है आपका, ठीक है आंसर, सोल्व करो इसको फटाफट, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले लो, मैंने बता दिया इसका आंसर छुपा पड़ा इसमें, अगर तुम्हें पता लग गया कि फ्लोर पर जो फोर्स बॉक्स ने लगाई है उसका नाम क्या है, बस तुमने ये पता लगाना, तुम्हारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत? नो सर, इजी क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन में
चेक करो क्वेश्चन। यस सर। बिल्कुल ठीक है हर्षिका। करो सर, मैं पानी पिया इतने। यस सर। दो आंसर आए मेरे पास। हाँ आ गया सबका। तनिष्का ठीक है तुम्हारा आंसर, पर तुम आंसर तो उनका भी ठीक है, हर्षिका का भी, अब जो बोला है उन्होंने, पर उसमें ना एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी हुई है हर्षिका, थोड़ा सा आपका आंसर मिस्टेक है, हल्का सा देखना थोड़ा सा। एम की वैल्यू पुट कर दो ना, एम की नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंस है, जो तुमने आंसर निकाला है ना वो किस चीज का है वो तुमको देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं। चलो इसके अंदर तो जो आंसर दे रखा है ना वो दे रखा है 3g/4, अभी चेक करते हैं क्या ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा, कई बच्चों ने तो यही आंसर दिया, लेकिन मुझे हर्षिका का भी सही लग रहा है लेकिन वो पूरा आंसर नहीं है। ठीक है स्टार्ट करें। yes, पहले तो मेरे को इसका नाम बताओ, इस फोर्स का। नॉर्मल। किसने बताया? नॉर्मल अश्मिता। वेरी गुड। देखो नॉर्मल फोर्स ही है वो, क्यों? क्योंकि कल हमने बात की थी, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, वही उसको नॉर्मल लगाती है, उसको बोलता था एक्शन, राइट? यस सर। लेकिन अब मैं इनको फ्लोर के बारे में तो बात नहीं करनी, मेरे को तो ब्लॉक के बारे में बात करनी है, तो मुझे ये भी पता है ना सर, अगर फ्लोर बॉक्स के बॉक्स फ्लोर पे लगा रहे तो फ्लोर भी बॉक्स पे लगाएगा। यस सर। की वैल्यू भी क्या होगी? नॉर्मल। वो भी सेम होगा बिल्कुल। अगर इसकी वैल्यू mg by 4 है जो क्वेश्चन में बोल रहे, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? mg by 4 बोली थी ना मैंने, mg by 4, राइट? यस यस। क्योंकि ये एक्शन है, ये उसका क्या है? रिएक्शन। तो मैं तो ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो वो फोर्सेस देखूंगा जो वो ब्लॉक पे लग रहे हैं। ब्लॉक पे ये वाला फोर्स लग रहा है या ऊपर वाला, ए वाला लग रहा है या बी वाला? ऊपर वाला लग रहा है, ए वाला है। तो मैं बॉक्स के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ सर, ये एन है, इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है? एमजी। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है? नीचे की। नीचे कौन लेके आ रहा होगा इसको? सारे बोलो, सारे एमजी। हेमराज, जतिन, आंचल, कहाँ हो आप लोग? यस सर। यस सर। जतिन भी है यहाँ? यस सर। हाँ तो बोलो, और भी लोग हैं, इन सब की आवाज नहीं आ रही, मीनाक्षी, उज्जवल, बोलो सब बोलना। ठीक है ठीक है। तो नीचे कौन लेके जा रहा है? एमजी। कौन कर रहा है? एन। एन तो किसके इक्वल आएगा ये नेट फोर्स? एम ए के।
की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, mg माइनस mg बाय 4 इज इक्वल टू ma, m तो सबके अंदर है, कट जाएगा क्या कॉमन आके? यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? g माइनस g बाय 4 g माइनस g बाय 4 यानी 3g बाय 4 एक्सेलरेशन 3g बाय 4 आ रहा है। तो आंसर जो दे रखा है वो सही, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कोई भी डाउट? यस सर। यस Yes, बस मैंने बोला था इसका आंसर यही छुपा पड़ा है। अगर तुम्हें ये पता लग गया इस फोर्स का नाम क्या है तो क्वेश्चन इजी था। ये इक्वेशन तो तुम कभी भी लगा सकते थे। बस तुमको ये पता था ये फोर्स का नाम नॉर्मल रिएक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। डन सर। और एक क्वेश्चन है तो सही करके देखोगे? यस सर। चलो करके देखते हैं। कोशिश करना इससे काम ना लेकिन कोई बात नहीं, यही करेंगे हम, क्या जान देखते हैं। ये तो आसानी है, ये सपोर्ट है ठीक है। यहाँ पर एम है मास, थोड़ा सा दूर बना देते हैं इसको ताकि अच्छे से। ये एक सपोर्ट है ठीक है। यहाँ पर M मास है, यहाँ पर ये इस सपोर्ट का सरफेस है। यस सर। M रखा हुआ है और M यहाँ पे खींच रहा है इसको। यहाँ पर एक पुली है सर ठीक है। ये इस पे फोर्स लग रही है F और ये इसका दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग का। यहाँ से दिख रहा है सबको? यस सर। इसको यहां से तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं F, ये M है, ये ब्लॉक है मास का, इसको बोल दिया ब्लॉक A, एक फिक्स्ड पॉइंट से बंधा हुआ है। इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम है, क्वेश्चन समझना, मैं क्या लैंग्वेज नहीं लिख रहा, क्वेश्चन समझा रहा हूँ सीधा। पॉइंट C से ये फिक्स्ड बना हुआ है ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल दिख रही है, एक स्ट्रिंग है जिसकी पुली का नाम दे रखा है बी ठीक है। अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर टू दिस पुली, अ फोर्स अप्लाई की गई है, जो एक्सपेरिमेंट बंदा कर रहा है उसने फोर्स अप्लाई करी है इस पुली को। शो दैट, अगर मैं पुली को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, थोड़ा सा गड़बड़ाहट वाला है वरना हम छोड़ देंगे अभी के लिए। फोर्स लगा रहा हूं इस पर तो ध्यान से देखना, इफ द पुली इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, क्वेश्चन पूरे चांसेस है नीट में आने की। डिस्टेंस एक्स The block will be displaced by 2a. क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं F, तो अगर पुली की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बच्चे? X हो रही है, तो ब्लॉक की कितनी हो रही है? 2a. समझ में आ रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड पुल। कोशिश करके देखो, हालांकि मैं थोड़ी देर में देता ही क्वेश्चन, पर ठीक है अगर आ गया तो हम यही करेंगे। कल हम थोड़े बहुत ना कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चंस करें ठीक है? यस। मंडे नेक्स्ट क्लास से, मंडे वाली क्लास से या ट्यूसडे वाली क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसका, जो कि होगा ग्रेविटेशन या वर्क एनर्जी राइट? यस। वो स्टार्ट कर देंगे। तो काइनेमेटिक्स तो आप सबको आ गया, ग्राफ पढ़ना आता होगा आप सबको। कैसे ग्राफ देखने हैं, कनकेव अप कनकेव डाउन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सबको समझ में आती है ये बात? यस सर। शॉर्ट ट्रिक बता दी हमने है ना ठीक है। वेक्टर्स तो हमने पहले ही कर लिए थे। चलो ठीक है, करो कोशिश।
सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्वेश्चन है बच्चे, इस पुली पर मैंने फोर्स लगाई है एफ, तो अगर पुली पुली यहाँ पर मूवेबल है, कैसी है? मूवेबल। अगर पुली की डिस्प्लेसमेंट हुई है कितनी? एक्स। तो मेरे ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हुई है टू एक्स, तो तुमने निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड पुली। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। पुली कैसी है? मासलेस है, ये याद रखना। पुली कैसी है? मास। चलो ये नहीं कर सकते तुम इस पे, सिर्फ फोर्स का एक बार मेरे को बता दो, फोर्स कैसी लग रही होगी तुम्हारे हिसाब से? सारी फोर्सेस बताओ और फोर्स की इक्वेशन बताओ, उसके बाद हम करेंगे इसको क्वेश्चन। तुमने अभी इसका फोर्स की इक्वेशन लिख के बताऊंगा, हम इसको स्टेप्स में तोड़ देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को तोड़ा था ना एक्स और वाई में। yes. हाँ, पहले एक्सेलरेशन निकाला फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली, तुम इसकी सिर्फ फोर्स की इक्वेशन लिख के बताओ। पहले पुली के अंदर फोर्स बताओ, पुली के अंदर इक्वेशन लिखो, फिर किसकी लिखोगे? ब्लॉक की। ब्लॉक की, दोनों की फोर्स की इक्वेशन बता दो, फिर हम करें और फिर मैं चेक करता हूँ। ये तो मेरे को लिखनी पड़ेगी, आंसर तो सीधा वही देखेंगे क्या है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो तुम आराम से निकाल सकते हो, किसी ने आंसर दिया भी है। पुली की एक्स क्या है बच्चे तुम्हारे में? हर्षिका एक्स की एक्स है क्या चीज बताओगे? तनिष्का तुम्हारा ठीक है आंसर बच्चे, क्या है एक्स? एक्स क्या है? क्या एक्स? एक्स स्टैंड्स फॉर ये डिस्प्लेसमेंट। तो देखना पड़ेगा बच्चे फिर, ये तो अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो 2x माइनस m, ये तो इक्वेशन सही नहीं होगी ना, क्योंकि इनकी डायमेंशन ही मैच नहीं कर रही। x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से हम मास माइनस कर ही नहीं सकते कभी, है ना? सेम डायमेंशन की चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। अच्छे कोशिश करिए। ये मुझे लगता है तुम यहाँ पर t लिखना चाहते हो। हाँ बोलो बोलो। x सिर्फ फोर्स है सर जो पुली पे लग रही है। x क्या है? फोर्स है जो पुली पर लग रही है, मतलब f f f है ना वो, तो yes, sir, f. तुम लिख रहे हो उसको 2f, ऐसा सर? f माइनस 2t, f माइनस 2t, yes, sir. 2t, f माइनस 2t इज इक्वल टू m इक्वल टू जी MA. यही लिखना चाहते हो MA. ये किसके ऊपर फोर्स बताई है तुमने, पुली के ऊपर या मास के ऊपर? पुली के ऊपर तुमने जो फोर्स बताई है बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुली कैसी है? मासलेस, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो F माइनस टू टी किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। तो F इज इक्वल टू टू टी, राइट? ये कौन सी पे होगी? पुली के ऊपर। किस पे? पुली ऊपर। ये सबको समझ में आया? पुली के ऊपर देखो, अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पुली को मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा है सबको पुली जो बनाई है मैंने? यस सर। साइड में, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स तो यहाँ लग रही है सर आगे की तरफ, और इसकी टेंशन देखो, एक टेंशन यहाँ लगेगी, एक टेंशन यहाँ लगेगी, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, टी इधर, समझ में आ रहा है? तो सर दिख रहा है सबको? यस सर। लेकिन एम जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, तो पुली की तो लास्ट इक्वेशन मेरे को बन गई सर, फोर्स ऑफ फोर्स ऑन जो पुली जो एफ पी है वो कितनी है सर? टू टी, ठीक है सर। अब इसकी इक्वेशन कौन लिख के बताएगा? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए।
mg माइनस n इज इक्वल टू ma तभी लिखोगे, ये तो वर्टिकल फोर्स है mg और n भी वर्टिकल फोर्स है। क्या बॉडी वर्टिकल में मूव कर रही है मेरी? No, ये फोर्सेस तो इक्वल ही रहेंगे, हाँ तो n इज इक्वल टू mg रहेगा, इसमें तो ma आएगा ही। हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। m मेरा ये है तो इसके अंदर सिर्फ एक इसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना m तो, yes, sir. तो इसके पास टेंशन लगेगी एक इस तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी, yes, तो इसके सिर्फ टेंशन ही लग रही है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या है, पीछे कोई फोर्स लग रही है? No, sir. टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगी? Sir, MA. कोई डाउट? No, sir. पर यहाँ से तुम टेंशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? तो दो इक्वेशन क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू टू टी और t इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये ब्लॉक ये हमने यहाँ पर लगाई थी ना ये इक्वेशन, तो बताओ t की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? हाँ हिमराज बोल, सर फ्रिक्शन नहीं होगी एम ए, फ्रिक्शन नहीं दे रखी मुझे, फ्रिक्शन होता तो मैं तुम्हें बताता कि फ्रिक्शन वाला फ्लो है, ठीक है? हाँ, तो एक्सेलरेशन t की जगह क्या लिख सकता हूँ सर मैं? एम ए, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, f upon 2, f upon 2, f by 2, तो f by 2 is equal to m, नहीं लिख सकता क्या? Yes sir. Acceleration of block क्या आ गई? F by 2 upon 2 into m, यही आ गई ना? Yes, तो ये तो block, yes sir, आ गई तुम्हारी। ब्लॉक की एक्सेलरेशन के लिए कुछ जरूरी था क्या? सिर्फ मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था और कुछ नहीं बताना था, ब्लॉक का तो मेरा बन गया। दो मिनट इस क्वेश्चन को देखो फटाफट, एक मिनट के लिए, और देखो मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकाली है, भूली की नहीं निकाली, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, देख लो पहले रिवाइज करो स्टेप, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है और इसकी इक्वेशन लिखी है, देख लो। मैंने क्वेश्चंस को पार्ट्स में तोड़ दिया भाई, सर क्लियर, क्लियर है? यस सर। मैंने सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पर सर एफ इज इक्वल टू टू टी हो गया, एफ माइनस क्यों हुआ क्योंकि एम की वैल्यू जीरो थी, यहाँ पर टी इज इक्वल टू एम ए होगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे निकाल लूं सर, वो बताओ मुझे, अब ये कौन बताएगा? यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा तुम्हारा, बताओ, सोच के बताओ, पुली क्या कंडीशन दे रखी थी, कोई मेरे को बताएगा कंडीशन क्या थी? सर मासलेस, नहीं नहीं एक और चीज बता रही थी, पॉइंट एक पॉइंट से फिक्स है, और भी बता रखा था कुछ, क्वेश्चन पढ़ो भाई क्वेश्चन। सर अगर पुली पर फोर्स x लग रही है तो सर वो 2x से ब्लॉक 2x से, फोर्स नहीं थी x, फोर्स तो पुली पर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट थी x का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थी, अगर फोर्स लगा रहा हूं f तो अगर पुली मेरी x जा रही है डिस्प्लेस हो रही है तो मेरा ब्लॉक कैसा हो रहा है? ब्लॉक x 2x। अब इसको ना देखो समझाने के लिए मैं समझा सकता हूँ, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, अगर समझाऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो मेन कंसेप्ट है ना पहले वो समझो। इसके अंदर मैंने ये चीज यूज करी है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जब मैं इसको प्रूव करूंगा ना इसका रिजल्ट याद रखना एक बार के लिए, अभी मैं समझा भी दूंगा कहोगे तो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डबल हो रही है इसमें, तो जब मैं इसको प्रूव करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा कि जो एक्सेलरेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट किसकी डबल हो रही है पहले तो मुझे ये बताओ, समझ रहे हो, अगर एक्सेलरेशन मेरी पुली की एक्स आई है तो ब्लॉक की कितनी आएगी? कोई दिक्कत आ रही है किसी को बताओ, हैंड रेज करो जिसको दिक्कत आ रही है। एक्सेलरेशन अगर ब्लॉक की एक्स आई है, स्कूली की एक्स आई है तो ब्लॉक की आनी चाहिए 2x।
अभी एक्सेलरेशन मैंने ब्लॉक की निकाली हुई है, कितनी एफ बाय 2m. ये आई है ब्लॉक की, तो पुली की कैसे आएगी सर? 2 से इनटू 2 कर देंगे. इनटू 2 करूं या डिवाइड 2 करूं? ये आई है ब्लॉक का 2. तो ब्लॉक की ज्यादा है या पुली की? ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 टाइम्स है किसके? पुली की. तो ब्लॉक की अगर f by 2m है तो इज इक्वल टू 2 ऑफ पुली. तो पुली की कितनी होगी सर? सर f by m by 4. f by 4m. समझ में आ रहा है? यस सर. रीजन सुन लेते हैं एक बार. आंसर तो आ जाएगा, पुली की कितनी हो रही है f by 4m और ब्लॉक का कितना आ रहा है f by 2m. क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि एक की एक्सेलरेशन अगर x थी तो दूसरे की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. डबल हो जाएगी. अब इन्होंने ना हिंट में एक डायग्राम दे रखा है, देखो ध्यान से. अगर वो समझ गए ना तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा. तो क्योंकि मैं नीट में इतना प्रेशराइज कर नहीं रहा, ध्यान से देखो. ये इन्होंने ना ब्लॉक का एक हिंट के फॉर्म में डायग्राम दे रखा. ए ए डैश दिख रहा है सबको? ए और ए डैश? यस सर. ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट बी है तुम्हारा, दिख रहा है सबको? यहाँ पर एक डॉट लगा रखी है, इनका मतलब बताते हैं. बी डैश और ये हमारे पास वो जो फिक्स पॉइंट था सी, दिख रहा है? Yes, ये पॉइंट था बी वाला. ध्यान से देखो, बी वाला कौन सा पॉइंट था? याद है किसी को क्वेश्चन में बी वाला कौन सा पॉइंट था भाई? पुली वाला. ऐसा था, पुली का फिगर भी बना देता था. ये मेरे पास थी. ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. अगर वैसे तो सॉल्व तो हो जाएगा ये, पर मैं चाहता हूँ रीजन भी समझ जाओ तो अच्छी बात है. ये बी पॉइंट है, ये एफ है, ये ओरिजिनल डायग्राम है पुली का. ये फ्लोर है, ठीक है. इस फ्लोर पे क्या रखा हुआ है सर? मास एम और ये ऐसे जा रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और ये देखो सी पॉइंट तो यहाँ दिख गया. ए पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला जहाँ पर मास पड़ा है, दिख रहा है? Yes, sir. और बी पॉइंट कहाँ है? जहाँ पर पुली है. Yes, sir. अब देखो, जब मेरी पुली में, ध्यान से सुनना इस डायग्राम में इन्होंने क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनना. अगर तुम उस बात को समझ जाओ, हिंट के अंदर जो दे रखा है ना वो ये दे रखी है. अगर तुम इक्वेशन को समझते हो तो बढ़िया, लेकिन मैं फिर अपने वर्ड्स में समझाऊंगा इसको. जो ये समझता है वो समझाए. सी बी प्लस बी ए डैश, इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझते हो तो ठीक है. इज इक्वल टू सी बी प्लस बी बी डैश प्लस बी डैश बी प्लस बी ए डैश. क्या इसको समझता है कोई? सर सी बी प्लस क्या लिखा है? बी ए डैश. ओके. पर जो इसको नहीं समझता वो इसको समझ जाए तो भी बात बन जाए. हिंट है ये, देख लो क्वेश्चन में गिवन है, उनको पता है. ये नीट के लिए ही क्वेश्चन था, वैसे जेई में ये हिंट ना देते और क्वेश्चन पेपर में तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये मैं मॉड्यूल से बता रहा हूँ तुम्हें, तो उस मॉड्यूल में हिंट दे रखा है तुमने. हालांकि मैं अगर तुम्हें चाहूँ तो ये क्वेश्चन बता भी सकता हूँ कौन सी बुक का है, अगर तुम चाहो तो. एच सी वर्मा के क्वेश्चन में मिल जाएगा ये तुम्हें, लॉज ऑफ मोशन का. उसमें तो ये पूरा सॉल्व करा होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंट दे रखा है, वहीं से उठाया हुआ है क्वेश्चन. पेज नंबर तो बच्चे मेरे को याद नहीं है, मेरे पास मॉड्यूल है, मेरे पास वो बुक वाली नहीं है ना. समझ में आ रही है? चलो मैं कोशिश करते हैं हम जाने. सो सी बी या टेंशन? यस सर. आ गया किसी को समझ में? सी बी या टेंशन है? पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें, ये सी बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी बी है. यस सर. ये जो पहले वाला, ये वो डिस्टेंस दिया जब ब्लॉक रेस्ट पे था, और फिर जब इसको पुली से खींचा
तो वो दूसरे वाला डिस्टेंस है, ऐसा समझ, देख लो जहां पर बी डैश है, देखो ध्यान से सुनो, सी बी दिख रहा है सबको, ये सी बी, यस इज इक्वल टू बी बी, बी बी कहाँ है बताओ, बी बी, बी बी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बी बी डैश होना चाहिए, बी डैश, बी डैश, देखो ये तो ये पूरा डिस्टेंस दिख रहा है सबको, इज इक्वल टू बी डैश बी, यहाँ तक डन, प्लस प्लस बी ए डैश, इससे मतलब क्या समझ रहे हो भाई, जब मैंने पुली को डिस्प्लेस किया, क्या किया, डिस्प्लेस, पुली कहाँ से कहाँ जाएगी, बी से बी डैश, अब ये पुली को डिस्प्लेस किया तो सपोज करो पुली बी से कहाँ चली गई, बी डैश, बी डैश, मैं येलो वर्ड वैल्यू यूज कर रहा हूँ, जहां पर चली गई, यहाँ पर चली, ठीक है, और मेरा ब्लॉक कहाँ से कहाँ चला गया, पहले ए पर था, अब ए से कहाँ चला गया, ए डैश, ए डैश तक, तो जब ये चला गया होगा यहाँ से, तो ये स्ट्रिंग जो थी वो खिंच गई होगी थोड़ी सी, यस सर, यस सर, ये कितनी खिंची होगी बताओ, कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ ऊपर वाली की, सी बी प्लस बी बी डैश, सी बी प्लस बी बी डैश, बी बी डैश, ऐसा ही हो जाएगी नीचे वाले की, बता बी बी प्लस ए ए डैश, हाँ, अब एक बात बताओ, ये जो स्ट्रिंग थी पूरी, इसकी लेंथ तो अगर मैं टोटल करूं तो सेम ही रहनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हुआ मैंने इसको खींचा और स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई, सर, हाँ बोलो बोलो बोलो, सर बी बी कैसे आया, बी से बी डैश नहीं गई, कहाँ से, हाँ हाँ बी बी डैश आएगा ना, अभी मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, जब मैंने इसको फोर्स लगाई तो इसमें से कुछ स्ट्रिंग रोल हो गया होगा, राइट, लेंथ तो टोटल सेम ही रहेगी ना उसकी, टोटल लेंथ, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, तो पहले लेंथ यहाँ पे देखो सी बी प्लस बी बी डैश हो जाएगी, ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है सबको, बी बी डैश प्लस बी ए डैश, बिल्कुल, अब मैं अगर ऐसा लिखू जिसने लिखा हुआ है सी बी प्लस बी ए, सी बी प्लस बी ए, ये ओरिजिनल लेंथ थी, सी बी प्लस प्लस बी ए, कोई दिक्कत, ये पहले वाली लेंथ थी, अब जो लेंथ हो जाएगी वो क्या होगी, क्योंकि लेंथ सेम रहेगी, अब जो लेंथ है वो देखो कितनी हो जाएगी, सी बी प्लस बी बी डैश, समझ में आ रहा है, यस सर, प्लस बी डैश बी, यस सर, प्लस बी डैश, देख लो प्लस बी डैश ए है या नहीं है, या बी ए डैश, बी ए डैश, अब क्या यहाँ पर मैं ए ए डैश काउंट करूंगा क्या, पहले मुझे ये बताओ, नो सर, क्यों, क्योंकि बी बी डैश काउंट, यहाँ से स्ट्रिंग बंधा हुआ नहीं है, नहीं है, यहाँ से देखो कोई फिक्स नहीं है, ये अगर स्ट्रिंग आगे चला गया तो अब ये स्ट्रिंग भी कहाँ चला गया, ए पॉइंट से कहाँ चला गया, आगे ए डैश पर चला गया, लेकिन जब मैंने पुली को खींचा तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स था, तो यहाँ से स्ट्रिंग आगे बढ़ पाया क्या, नो सर, बस करो, मैंने एक स्ट्रिंग को खींचा वो एक साइड से तो क्या हुआ हुआ था, बंधा हुआ था सर, जिस पॉइंट से बंधा हुआ था मैंने यहाँ से खींचा उसको, तो ये पॉइंट उसका बंधा हुआ था, मैंने खींचा 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 खींचा, टोटल लेंथ तो उसकी सेम रहेगी, बस ये होगा कि इसका कुछ पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, खींच जाएगा, क्या हो जाएगा, खींच जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा, और वो नीचे कितना आया, पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ थी सर सी बी प्लस बी ए, यही थी ना, सी बी प्लस बी ए, खींचा तो मेरा कुछ वैल्यू पुली ऐसा हो जाएगा, देखो खींचने के बाद पुली तो मेरी चली गई होगी अब बी डैश पर, यस यस सर, है ना, और मेरा मास आ गया होगा यहाँ पर ए डैश, दिख रहा है, यस, ये पॉइंट तो वही रहेगा, तो टोटल लेंथ अब कितनी हो जाएगी, सी बी डैश प्लस बी डैश, बी डैश ए डैश, वही हो जाएगी ना, यस सर, यस सर, बी डैश ए डैश को और सी बी डैश को इन्होंने तोड़ दिया, सी बी डैश को कैसे लिख दिया इन्होंने, सी बी प्लस सी बी प्लस बी बी डैश, बी डैश लिख दिया, और B डैश A डैश को क्या लिख दिया इन्होंने, B डैश B B डैश B प्लस B A B A डैश,
और ये ऐड कर yes, sir. दोनों yes, को sir. किसी को समझ में आ रही है ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ बोलो yes, अब देखो इन्होंने क्या किया आगे सीबी का सीबी रखा लेकिन सर ये बी बी डैश को इन्होंने ऐसे लिख दिया ऐसे कैसे कर सकते हैं सर बी ए डैश और ए डैश ये क्या है देखो थोड़ा सा इसलिए मैं करवाना नहीं चाह रहा था देखो बच्चे चले गए कुछ इसी वजह से है ना तो मैं इसलिए डीप में नहीं जा रहा था क्योंकि नीट वाले हैं देखो इसका जो आंसर अगर आएगा ना जब भी करोगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर रहा है ये क्या प्रूव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दिया करो सर हमारे ऊपर से जा रहा है आंसर ये आएगा इसका जब मैं प्रूव करना चाह रहा था देखो ए डैश ए कहाँ है ए डैश ए ये है Yes, sir. Yes, sir. मेरी पुली पहले, जब खींचा तो मैंने क्या हुआ जहां पर मेरा मास सॉरी जहां पर मेरा पुली पहले थी वो थी और अब क्या है बी डैश इस सबको प्रूव करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा बेटा ए डैश ए इज इक्वल टू टू बी बी डैश मतलब क्या हुआ जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है ए से ए डैश यहाँ से जो जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है डबल डबल दिख रहा है सबको यही बता तो अब जब ये डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कहाँ से कहाँ हुई है ए से ए डैश डबल हुई है किससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी डैश ये क्या है ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ये पुली यही तो गिवन पुली की डिस्प्लेसमेंट यही तो गिवन था ना यही इससे प्रूव हो रहा था उन्होंने हिंट भी यही दे रखा है और बाद में एक लॉजिक यूज करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं बार बार डिफरेंशिएट करता हूँ क्या करता हूँ डिफरेंशिएट करता हूँ तो दो बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आंसर भी यही आएगा कि इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है डबल है किससे पुली से और इसी को मैंने यूज किया कि पुली की जो एक्सेलरेशन है वो हाफ है किसके ग्लोक के या ऐसे बोल दू ग्लोक की जो एक्सेलरेशन है वो डबल है किसके पुली के हम इसको शॉर्ट में कर देंगे तो मुझे बोल दिया करो सर जब ऊपर जा रहा हो देखो बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं टाइम भी हो गया कुछ इसी वजह से कोई बात नहीं तो जब मैं इसको डिस्प्लेसमेंट अगली बार हम ट्राई करेंगे कि इसको शॉर्ट में रखें ठीक है तो अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आ गया था हमारे को समझ में वैसे तो कि पुली की अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स थी सॉरी पुली का अगर एक्सेलरेशन ए था तो ब्लॉक का क्या होगा टू ए हमने पुली का तो सिंपल से सॉरी एक्सेलरेशन और ब्लॉक तो सिंपल फोर्स डायग्राम से बता दिया था ना एफ बाई टू एम तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन था वो डबल था तो इसको हाफ करना पड़ेगा तो किसका आ जाएगा पुली का आ जाएगा तो 4m आ जाएगा तो एक का आंसर आएगा f by 2m तो दूसरे का क्या आ जाएगा f by 4m कोई दिक्कत नो सर अब हम इसको ना कल से ऐसा ही करेंगे मैं सोच रहा था थोड़ा सा बता दूं फिर कल से हम इसको शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करेंगे करना ठीक है ओके सर यस सर करना चाहे ध्यान से देखना एक क्वेश्चन ये जो कल मैंने करवाया था ना उसी के ऊपर है अब मैं उन्हीं को सोल्व करवा रहा था वैसे जो कल मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनवाए थे ये लास्ट क्वेश्चन है इसके पास जा रहे हैं जिससे होता है कोई बात नहीं वरना हम कल डिस्कस करने ही वाले हैं इसको ये कल क्वेश्चन किया था हमने याद है एम थ्री एम टू एम वन तो बताओ मुझे टेंशन ये देखना ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी एक्सेलरेशन दे रही है ए नोट एम वन है और पूछो ये बी पॉइंट है ठीक है और ये पॉइंट है ए इससे मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस है ना एंड स्ट्रिंग्स और पुली लाइट है इसका मतलब क्या है मासलेस है क्या है मासलेस है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम वन यानी ए नोट की वैल्यू बता रही कोशिश करके देखना कल मैंने बता दिया था वैसे पहले तो क्वेश्चन को समझा करो ये अगर इधर जा रहा है तो ये पूरा सिस्टम कैसे जा रहा होगा नीचे
नीचे जा रहा होगा, तो समझ में आती है ये बात? यस। तो अब वही करके देखना तुमने, तुमको मैंने कल इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनवा ही दिया था, बनवाया था ना, इसके ऊपर टेंशन कहाँ लगेगी बताएगा कोई मुझे? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और इसके ऊपर M3G लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा सर? M2G लगेगा। अब इसके ऊपर सर दूसरी टेंशन लगेगी क्या? सेम टेंशन लगेगी, दूसरी लगेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग है। तो अगर इस पे टी थी तो इस पे क्या लगा दिया था? टी डैश। इस पे भी क्या लगेगी? टी डैश। तो ये फिगर सब कर देना, मैं इक्वेशंस भी बता चुका था तुम्हें कि अगर सर इसको बैलेंस करना है तो ये कैसे इक्वेशंस लगेगी। तुम पुली के, अगर पुली मासलेस है तो पुली के ऊपर अगर मैं फोर्स देखूं इस वाली बी वाली पुली के ऊपर, तो ये मासलेस है क्योंकि इसके ऊपर तो कौन सी फोर्स लग रही है? एक टी और नीचे यहाँ पर दो स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टी डैश माइनस टू एम ए। या अगर नीचे जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा? 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू माइनस एम ए। एम ए मास क्या है इसका? जीरो। तो 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी डैश जहां जहां टी डैश है वहां मैं अब क्या लिख सकता हूँ? 2t। और कुछ भी नहीं, इवन ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो क्या? इसके ऊपर पहले फोर्स लगाओ, इसका मोशन अगर मान लो क्या है, नीचे की तरफ, क्या है? नीचे की तरफ मान सकते हो इसका मोशन? तुम अपने हिसाब से मान सकते हो कैसे भी। अगर ऊपर की तरफ मानोगे तो ए नॉट, नीचे की तरफ मानोगे तो इसको और भी तरीके से कर दो। देखो ध्यान से, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ लेकिन मैं पूरा समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। ये ए नॉट है, अगर ये एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रहा है तो सर ये भी पूरा जाएगा तो ए नॉट से ही, लेकिन ये इन दोनों में भी तो अनबैलेंस आएगा। अब ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, ये पूरा सिस्टम देख रहे हो? ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, ये वाला जो पुली से बंधा हुआ है, एक मास है एम टू, एक मास क्या है एम थ्री, ये पूरा तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन इस पूरे में ये भी तो ये अलग से नीचे जा रहा है और ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन नेट मोशन इसका भी क्या है? नीचे है। अगर मैं छोड़ दूं एक पल के लिए M1 को, तो अब इसका मोशन देखना, ये चीज कैसे जाना चाहती है? नीचे। और ये चीज कैसे जाएगी? ये भी ऊपर जाना चाहती है। एक तराजू बन रहा है, मतलब दो है ना। तो ये चीज M3 कैसे जाना चाह रहा है? नीचे। और कैसे जाना चाह रहा है? ऊपर। लेकिन क्योंकि ये पूरा सिस्टम कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो समझो M3 की डायरेक्शन और पूरे सिस्टम की डायरेक्शन क्या है, सेम है या नहीं है? सेम है। A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, लेकिन अब इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या थी? ए नॉट थी। तो एम थ्री की नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? ए भी नीचे की तरफ है, ए नॉट भी क्या है? नीचे की तरफ। तो एम थ्री की एक्सेलरेशन क्या होनी जानी चाहिए? ए नॉट प्लस ए। समझ में आ रहा है? यस सर। सपोज करो अगर एम थ्री ए से नीचे जा रहा था तो एम टू ए से क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। जाएगा, लेकिन पूरा सिस्टम ए नॉट से नीचे आ रहा है, तो अब तुम सबको हटा के तुम एक बॉडी डायग्राम बना सकते हो। सर अब ये मेरा फिगर है, अब फिगर देखो कितनी आसान हो जाएगी। सर ये था ना, ये पुली दे रखी थी आई थिंक मुझे यहाँ पर, ये पुली थी सर, ये एक मास था, ये दूसरा मास था, इसकी वैल्यू क्या है? इसको दे रखा है M2, इसको क्या बोल रखा है? M3, इसको क्या बोल रखा है सर? M1। तो सर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए प्लस ए नॉट, अभी नीचे की तरफ, लेकिन ए ए माइनस ए नॉट, ए नॉट माइनस ए। हाँ वेरी गुड, ए नॉट माइनस ए, इसका तो ए नॉट प्लस ए कर सकते हो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है?
सर यहाँ तक हो गया मेरा। अब m की तो एक्सेलेरेशन दे ही रखी थी m1 a नोट, तुम्हें a नोट की वैल्यू निकालना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन अब? यस सर। और एक रिलेशन हमने अभी भी प्रूफ किया है, वो रिलेशन क्या था? t वाला t डैश इज इक्वल टू 2t। यहाँ पर एक पुली और भी थी ना बच्चे जो दे रखी थी? यस सर थी सर। यस सर। हाँ वो पुली कौन सी थी? यहाँ पर दे रखी थी आई एम वन के आगे ऊपर के, हाँ यहाँ पर ऊपर की तरफ थी ना? यस सर। तो कर लोगे अब, उसकी टेंशन ये थी, डन। ये टी डैश था, ये टी था, तो टी डैश को हमने निकाला था टू टी के इक्वल, राइट। अब तुमने क्या निकालना है? ए नोट की वैल्यू निकालनी है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो बच्चे। अब तुम इसका इसका फायदा क्या हुआ ना, अब इस पूरे सिस्टम को तुम एक ही सिस्टम मान लो, एम वन को भी, एम टू को भी, एम थ्री को भी। कैसे लिखोगे सर इसको? एम थ्री कैसे जाना चाह रहा है? नीचे नीचे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको नीचे लेके कौन जा रहा होगा? एम थ्री जी। यस सर। ऊपर क्या कह रहा है? टेंशन, टेंशन। तो मैं इसको ऐसे सर, एम थ्री जी माइनस प्लस में एम थ्री जी माइनस क्या लिखूं? एम टू जी डी लिखूंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कह रहे हो ना वही आएगा अस्मिता। अभी हम करेंगे इसको, एम थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू में एम थ्री, इसकी एक्सेलेरेशन क्या है? ए प्लस ए नॉट, क्योंकि यही होता है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम की जगह यहाँ क्या है? एम थ्री, और एक्सेलेरेशन कितना है? ए प्लस ए नॉट, कोई दिक्कत? अच्छा एम टू की कैसे लिखूंगा सर? टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप बताओ मुझे। नीचे जा रहा है सर, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे कौन लेके जा रहा होगा? एम टू जी, एम टू जी, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए माइनस ए नॉट माइनस ए। अब इसकी क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन इक्वेशन? इसको कौन लेके जा रहा होगा? टी डैश, टेंशन, टी डैश इज इक्वल टू एम वन, एम वन जी, ए ए जी नहीं ए है ना, ए नॉट, ए नॉट, वेरी गुड। तो हो जाएगा यहाँ से, और टी डैश को क्या लिख सकता हूँ सीधा ही? टू टी, टू टी। अब मेरे पास देखो यहाँ पर देखो m1 m2 m1 को कांस्टेंट है, इनके फॉर्म में अगर आंसर चाहिए तो मेरे पास तीन वेरिएबल हैं और तीन ही कांस्टेंट है, तीन इक्वेशन है, आ जाएगा आंसर अब a नोट की वैल्यू। yes, तुम कुछ नहीं करना, तुम इन इक्वेशन को ऐड कर देना, कर दोगे? yes, sir. कल इसका आंसर निकाल के रहना, मैंने तीनों की फ्री बॉडी डायग्राम बना दी है तुम्हारे को, ठीक है? और अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इन सबको एक ही इक्वेशन में डालना होता है। एम थ्री जी कैसे जा रहा है? नीचे, नीचे जा रहा है। एम टू जी कैसे जाना चाह रहा है? नीचे, वो भी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैं क्या ऐसे देखना, चेक करके आना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और एम वन ए कैसे जाना जा रहा है? टी कैसे लेके जाना जा रहा है? टी बोलो 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 बोलो, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐड कर दोगे ना? यस सर। को ऐड करके आना सिर्फ, ठीक है? ऐड कर देना या क्या कर देना? सबट्रैक्ट। और मुझे आंसर बताना क्या आएगा, वही सिस्टम का बन जाएगा पूरा, ठीक है? इसको कल करेंगे। प्लस मेरे को ये बताओ, ये तीनों ब्लॉक्स का देखो, ये वाला फोर्स वाला जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने का, बट आज मैंने कोशिश की थी तो बच्चे लेफ्ट हो रहे थे मैंने देखा। तो अब हम जो भी करेंगे ना इसका, किससे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, इसमें भी हम लगाएंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक तभी बन सकता है जब हम इस पूरे को क्या मान ले, एक सिस्टम मान, एक सिस्टम। तो उससे वो टेंशन वाली फोर्स हमारी क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, और सारी इसमें रह जाएगी एम टू एम थ्री और एम वन की फोर्स। वो कल करेंगे कैसे, डन। अभी के लिए मुझे ये बताओ, जो अभी करा है, जो फोर्सेस लगानी आ गई है हम सबको, कैसे लगेंगे? काम वही है, फोर्स लगानी आ गई, टेंशन कैसे लगी? दूसरी बात, अगर मेरे को उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, किसके वाला, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इनको अगर मैग्नीट्यूड में बदलना हो तो भी बदल लोगे, और आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में एक्सेलरेशन वगैरह निकालनी हो तो भी निकाल लोगे। सब पक्का? यस यस। कोई बात नहीं, अब
इससे नेक्स्ट हम कल करेंगे। तुम्हारा टाइमिंग तो रहेगा 10 से 12 का, 10 से 12 तो नहीं करते, हाँ 10 से 12 का ही करो। या मैंने उनको क्या टाइमिंग दिया है, ठीक है तुम आ जाना बच्चे 10 बजे, ठीक है 10 से 12 का रहेगा तुम्हारा टाइमिंग। 10 से 11 तो हम पढ़ेंगे अपना एटम एटम एटम, और 11 से 12 पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। कल कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करें हम, ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में आया कोशिश करूंगा मैं वही कराऊं। नहीं तनिष्का ये एक्स्ट्रा क्लास ही तो थी, तनिषा सॉरी, एक्स्ट्रा क्लास में ही तो पढ़ रहे थे हम लॉज ऑफ मोशन। यस सर। तो यही होगा बस, अभी आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, कल याद रखना कल 10 से 12 दस से ग्यारह तो सबने ही आना ही कंपलसरी है क्योंकि वो तो रेगुलर क्लास है, ठीक है। आज के लिए इतना करेंगे, बट लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आना अच्छे से। सर नाइट में ना? नहीं 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 मॉर्निंग में बच्चे, मॉर्निंग। ओ ओके ओके ठीक है। सबको जिसको भी कंफ्यूजन है ना वो याद रखना 10 AM होगा है ना, 12 बजे रात तक तो हम भी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। हमने यही सोचा था कि पीएम होगा। अच्छा अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? फिर रात को नहीं होगी? नहीं फिर रात को नहीं होगी। और ये जो 6 to 8 वाली जो क्लास चलती थी तुम्हारी, मतलब जहाँ मैथ लेता था ना, जो भी जो भी जो भी टाइमिंग तुम्हारी फिजिक्स की होती थी वो किसकी हो जाएगी कल? केमिस्ट्री की हो जाएगी। 3 से 5 जो लगती थी केमिस्ट्री की वो नहीं लगेगी, ठीक है। यस सर। यस। वाली क्लास नहीं है तुम्हारी, सिर्फ अब कौन सी क्लास है सुन लो मेरे से, साक्षी मैम के बाद तुम्हारी क्लास है मेरी 10 से 12, और उसके बाद सीधा शाम को इवनिंग ये वाली क्लास होगी केमिस्ट्री। मतलब जो हमारी 6 to 7 होती है उसके बाद है हमारी फिजिक्स, बायो की है ना कल तुम्हारी? यस सिक्स बायो के बाद, ठीक है। बायो की शाम को नहीं होगी? हाँ तो केमिस्ट्री की भी शाम को जैसे अब है, ठीक है। तुम्हें मैसेज देख के बता दिया जाएगा कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक है सर, आप वो आंसर बता देना उसका। किसका? सर जो मैंने आपको भेजा था ना, आपने कहा था कि चेक करके बताओगे। हाँ आंसर बताओ, ठीक है। ओके सर, बाय बाय। यस बाय सर। थैंक यू सर।